हम क्वार्टर पीते रह जाएंगे। ये लोगी। ए, तू देख वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं? हाँ देखता हूँ। ए पियक्कर, सुबह से चढ़ा रखी है, कुछ और काम नहीं है? ए भाई सुन सुन सुन, वो जो मिठाई के डब्बे हैं उन्हें उठाकर तू वहाँ पे थप्पड़ मारू तुझे। मुझे फोड़ने के लिए बुलाया तो फोड़ूंगा ना, और क्या तो कहीं और जाके फोड़। ये दारू कहाँ बढ़ रहा है भाई? तुझे और पीना तो जा भूसे की कोठरी में जा, जा जा बहुत है। ये भूसे की कोठरी कहाँ है? इसके ऊपर बैठ जा, वहीं पे पहुँच जाएगा। अरे पीनी है तो आजा। शर्ट पहन लीजिए ना दीदी। शर्ट लेकर बाहर क्या कर रही हो? देखिए ना, वो बाहर ही नहीं आ रहे। दो ग्लास चढ़ाने के बाद वो अपनी बाप की भी नहीं सुनते तो मेरा ग्लास तो खत्म होने वाला है। चल अंदर चल। मेरा वाला लाए हो क्या? तेरा वाला मिला नहीं। अरे किसी को कम नहीं पड़ना चाहिए। आकर नया शर्ट पहन लो ना। पीना बहुत हुआ दीदी, कब से आपको बाहर बुला रहे? यार हमेशा मजा किरकिरा करती है। शर्ट नहीं पहनेंगे तो फोटो कैसे खिंचवाएंगे? जरूरी है फोटो खिंचवाना, देख नहीं रही है यहाँ पार्टी चल रही है। फोटो खिंचवाएंगे या नहीं? तू जा अकेली फोटो खिंचवा, कभी मेरी बात नहीं सुनते। अब तू बस जल्दी है फोटो खिंचवा। अबे फोटो वोटो कुछ नहीं, चुपचाप बैठ, फोटो में नेगेटिव दिखेगा। चल चल चल। या भाई साहब, आप कहाँ खाली क्यों है? कौन मैं? नहीं नहीं भैया मार देंगे। शादी में तो पीना ही चाहिए ना। ये तुम खुद भैया को क्यों नहीं कह देते? वो देखो आगे। अपना ग्लास क्यों छुपा रहे हैं? क्या हुआ, उनके आते ही सबने ग्लास छुपा ली? सबकी फट गई क्या? चलो शादी में। अरे बेटा चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। क्या बात है भैया? उसको लगी जरूर होगी, पिद्दी सी तो है। गौरी पूजा का वक्त हो गया, आप चलिए चलिए। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। बेटी अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। इसे क्या हुआ, रो क्यों रही है? तुझे डर लग रहा है मुझसे दूर जाने का? ची, मुझे देखो, मैंने खुद को कैसे संभाला है? जब तू इस घर में थी तो मैंने तुझे फूलों की तरह रखा था, तो किसी ऐरे गहरे के साथ तुझे मैं थोड़े ही विदा कर सकता हूँ। बोल हाँ। वो लोग तुझे अपने पलकों की छांव में बिठा कर रखेंगे, वहां तेरा जीवन सुखी होगा, मैं देख सकता हूँ। देख डर मत, वहां तो बहुत खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। इसे ले जा, शादी के लिए तैयार कर। चलो देरी ना हो जाए। हाँ। भाई साहब अब जरा बाहर जाएंगे, बारात दरवाजे पे आ गई है। जाता हूँ। आइए आइए। नमस्कार। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं है? हैंडसम लग रहे हो। बाराती याद रखे, ऐसा बंदोबस्त तो किया है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? सुनकर दिल खुश। बहन जी दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे जा जल्दी लेके आ। अरे भाई साहब एक फोटो हो जाए, चल खींचना। आप शर्ट भूल गए। ए पंत्रू, शुभ लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही है, नीचे आई थी क्या? पता नहीं, रॉकेट को बोलता हूँ जाके ढूंढे। भैया कुछ कहना? खाना खाया? शुभ लक्ष्मी, क्या बताऊं, शुभ लक्ष्मी कहीं मिल नहीं रही है। शुभ लक्ष्मी किसी सुबह राव नाम के मजदूर के बेटे के साथ भागी है। हमने चोरी की, नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने चोरी की। मालिक 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 मालिक, आपके यहाँ खेतों में हम काम करते हैं, फिर भला हम आपको धोखा क्यों देंगे? वो हमारा बेटा नहीं था मालिक, उसे मारी है, हमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बता मैं क्या करूं, बता। हाँ लेके गया उसे। हम कुछ नहीं जानते मालिक। एक बार उसके साथ पूछा और आप कहते हो कि कुछ नहीं जानते? नहीं, हमको तो लगा था वो शादी करेगा, लेकिन ससुरा लड़की लेके भाग गया, हमको नहीं मालूम कहाँ गया है। उठा, उठा, उठा,
कहाँ है वो एड़ा बाबू? पता वरना तुझे जिंदा जला दूंगा। जल्दी बोल, तेरे अलावा और कौन दोस्त है उसका? हमरे अलावा हमको लगता है उसके तीन दोस्त और हैं। उन्हीं के पास गया होगा वो। वो कहाँ रहते हैं? सिनू निलोर में रहते हैं और काकीनाडा में। काकीनाडा में कौन रहता है? शर्मा रहता है। और हैदराबाद में कृष्णा। कौन सुपरवाइजर? वो सिनू? हाँ भाई। वो माल पहुंचाने चेन्नई गया है। क्या हुआ? सिनू माल पहुंचाने के लिए चेन्नई गया हुआ है, 4-5 दिन के अंदर लौटेगा। जैसे आए उसे खींचते हुए लेकर आना। लविंग योर्स, यज्ञ नारायण शर्मा। तुझे लगता है आज वो देगा? उसने नहीं भी दिया तो आज छीन लूंगी मैं। प्लीज दे दे आज। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गर्ल के सामने बॉय की 3 चीजें झुकती हैं, एक तो हेड, सेकंड दिल और थर्ड बताओ ना। तुम तो समझदार हो। आई लेटर नहीं दिया सर। येड़ा बाबू किधर है? शानी मैं तो निकल। सुजाता टेल। शुभ लक्ष्मी और येड़ा बाबू किधर है? हुआ यू साला, अंग्रेजी बोलता है? मैं कुछ नहीं जानता। अंग्रेजी बोलेगा तू? मैं तो डोंट नो। पक्का ले चल सर, वहां चल के देखते हैं। कौन है? कृष्णा घर पर है? वो तो नहीं है, पर उसकी माँ यही रहती है। वो वापस कब आएगा? वो इस गंजे के बाल की तरह है, कब आएगा पता नहीं। क्या वो यहाँ नहीं रहता? जैसे मैसूर पाक में मैसूर नहीं होता, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं, वो भी वैसा ही है। घर उसका है पर वो घर में नहीं होता। क्यों? क्यों क्या? उसका बाप पान का था, चूना सिंह तोमर था, इसलिए भागना उसके खून में है और चूना लगाना तो उसका खानदानी पेशा। ये सिगरेट की बदबू है ना? है तो वही। ना लायक, आने दो बताती हूँ। इस बार उसे मुर्गा ना बनाया तो उसके मरे हुए बाप की कसम। आज सिगरेट कल दारू, वो भूखता है, मुझे पता चल गया, उसे बताना मत वरना वो 100 बहाने बनाएगा। उससे अर्जेंट काम था, हमें बता भी दीजिए कब आएगा वो। वो कब आएगा मुझे क्या पता, न जाने वो दिन भर कहाँ घूमता रहता है। नालायक के पैर में तो जैसे पहिए लगे हों। कृष्णा तू ही है ना? तू नाम पूछ रहा है, मुझे डरा रहा है। ए, शुभ लक्ष्मी और येड़ा बाबू किधर है? अरे शुभ लक्ष्मी शुभ और लक्ष्मी के साथ होगी, और ये बाबू कहाँ है मुझे क्या पता। ए, ज्यादा शानपति मत दिखा, बाबू के साथ कॉलेज में कौन पढ़ाई करता था? वो हमारे मालिक की बेटी को भगा कर ले गया है। वो येड़ा बाबू क्या? ओ तेरी, भगा ले गया। ए, होल्ड करना, मैं जरा एक फोन कर लेता हूँ। ए, अपने बाबू ने BLLB कर लिया वे। क्या मतलब? अरे यार BLLB का मतलब है बाबू अपना लड़की लेकर भाग गया। पढ़ाई में तो हमेशा हमसे पीछे रहता था। किसके साथ? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अरे फोन क्यों फेंका बे? हाँ, मॉम को 3 दिन मस्का मारने के बाद फोन मिला था तेरी। आंखें खोल साले। सो ना मम्मी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मैं मम्मी दिखता हूँ। ओ तेरी, रातों रात तुम लोग मुझे ये कहाँ लेके आ गए? ए, बाहर निकल। ये खुद को बड़ा शाना समझता है। इतनी जोर से मुझे मारा कि रात कहाँ गई पता ही नहीं चला। ए, अब तू हमारे गांव में है, बता बता मालिक की बेटी कहाँ है? बोल, कहाँ भगा है लड़की को? कहाँ छुपा? कहाँ छुपा? मैंने तो लड़की को भाई। अरे माजी सुनिए तो। जल्दी सच बोल। ये बोलेगा नहीं? ये हाथ मत कर। हमारे गांव में है, हमें यहाँ पता है। यहाँ जो कोई भी मौजूद है वो तेरा दुश्मन है, क्योंकि ये मेरा गांव है। हम शराफत से पेश आ रहे हैं, वरना बाकी दोस्तों के पहुंचने का बंदोबस्त कर। जा। क्या पूछना है? पूछो। मैं कुछ नहीं जानता सर। तो झूठ बोल रहा है। ये सच है यार, जवानी में प्यार करना आम बात है, माँ बाप की परमिशन ना मिलना ये भी आम बात है। जो बुजदिल होते हैं वो टूट जाते हैं, जो सच्चे लवर होते हैं वो भाग जाते हैं। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आपकी बेटी ने तो सच्चा प्यार। जबान पर लगाम दे वरना।
तेरी जबान काट दूंगा। काट देनी चाहिए। जब बिटिया के बारे में पूछा तो दोस्तों को फोन करके हम लोगों का मजाक उड़ा रहा था। मैंने पत्थर से सिर फोड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ गया। अरे सर, ए फोन करिए डा बाबू को, फोन करना। तुम्हारे साथ इस फोन का मैटर मैं बाद में सुलझा लूंगा। आपको आपकी बेटी चाहिए, बस इतना ही ना। जैसे ही बाबू मुझे कांटेक्ट करेगा मैं आपको बता दूंगा। टकले, तू तेरा नंबर दे मुझे। अगर ये नहीं दे रहा है तो तुम दे दो, नहीं तो जब तक उन दोनों को ढूंढ ना लूं तो इसी गांव में रहेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब। अरे कितना अच्छा बॉडी बनाया है और किस्मत को कोसता है तू। मारूंगा कमीनो, कहां मैं वहां पार्टी कर रहा था, मेरा नाम किसने बताया। बुरा लग रहा है कि उसके भी इज्जत का भाजीपाला हो गया। किसका बात कर रहा है तू? और कौन, बेचारा नीलकंठ। अगर उनका बारे में कहते हुए किसी ने सुना तो वो तोहरी फाड़ देंगे। नीलकंठ को सीधा समझने की भूल मत करना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। लोग उसकी लड़की की तरफ देखने से भी घबराते हैं। और उसी लड़की को बाबू भगा कर ले गया, उसको तो भगवान ही बचाए। वो तो गया काम से। लड़की इतनी खूबसूरत है क्या? मरवाएगा? कुछ नहीं होगा, लफड़ा मैक्सिमम 2 महीने चलेगा, बहुत कुछ हुआ तो 3, उसके बाद सब भूल जाएंगे। कुछ दिन बाद बच्चे पैदा होंगे तब उन्हें मिठाई बांटते देखोगे। दावत उनकी हो रही है, मुर्गा अपना पक रहा है। ये कौन है रे? सर, एटलीस्ट यू तो मेरा नाम आस्क किया। आई यज्ञ नारायण शर्मा। बाय मिस्टेक वो मुझे पकड़ लाए सर। मुझे डोंट पता कि वाई मुझे इस प्रॉब्लम में फंसाया गया सर। मॉर्निंग से मैं उन्हें यही बात समझा रहा हूँ बट हर बार वो बीट मी सर। सुन बेटा यज्ञू, क्या ये जानते मैं नाम शॉर्ट करता हूँ, तुझे बुरा लगा? यज्ञू बुलाइए या पप्पू बोलिए, बस मुझे मारिए मत एंड यहाँ से समहाउ गोइंग आउट का रास्ता बताइए प्लीज सर। सुन रहे मोटे, यहाँ से हैदराबाद जाने का क्या तरीका है? सवेरे 5:30 बजे माल गाड़ी जाती है। कहे निकलते हैं चुपके से। चुपके से? तुम में से कौन आएगा? चलो काम पे लगते हैं। ए, तुम में से किसी की इस गांव में दोबारा आने की ख्वाहिश है? तुम जानो हम तो यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। तो एक छोटा सा हिस्सा बराबर कर लेता हूँ। ये हमों को मरवाएगा साला। क्या कर रहे हो, जल्दी भागो। रुको, तुम उधर जाओ, छोड़ना नहीं यार। ये तो जंगल में तो वाइल्ड टाइगर की तरह हमें सर्चिंग। उस तरफ देखो, उस तरफ। अरे उस तरफ जाओ। गाड़ी की आवाज उस तरफ जा रही है। अलग अलग भागो, पट्टियों पर मिलो। अबे छोड़ो मेरे दोस्त को, दोस्त को मारो, वो गाना गाएगा, हट जाएंगे तुम सबके कान। अबे भाग वरना तेरा फुटबॉल बनाकर खेलेंगे ये लोग। छोड़ दो, छोड़ दो हमरा भैया, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, हमको काहे के लिए। नहीं नहीं, छोड़ दो। अरे बुड्ढा, हमको मत छोड़ो। Yeah!
गया तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। भागने की कोशिश क्यों की? हमको कुछ नहीं मालूम है, हम तो इसलिए भागे थे कि कहीं आप हमको मार न डालें। तो अपने गुस्से को मैंने 22 साल पहले शांत किया था, उसे भड़काने की गलती मत करना। मेरे चंगुल से निकलना आसान है? नहीं, तुम यहां से तब तक नहीं जा सकते जब तक मेरी बेटी मिल नहीं जाती, उसके बाद मैं तुम्हें खत। तो उसके मिलने तक मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर आप चाहे ना चाहे। कल्पेश। जी भैया। सबको भूसे की कोठरी में डाल दो। हाँ भैया, चले। भाई साहब, उसका एक और दोस्त है जो बहुत जिगरी हुआ करता था, उसका और है। वो कहाँ रहता है? वो कन्याकुमारी में रहता है, आप लोग वहाँ जाकर के पता नहीं करते। प्रसाद, इसे साथ ले चल। सर जी, हमों को याद आया, उसका एक और फ्रेंड है दुबई में। अगर इसकी बात झूठ निकली तो इन चारों को मार डालना, और इन चारों में से कोई भी भागा तो वही हाल इस मोटे का करना। समझ गया भैया। याद रहे, कोई भी भागने न पाए। मेरे होते कुछ नहीं होगा। लोगों को हमारी कसम है, भागना मत, यहाँ से बताते रहे, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। सर। ये आवाज कैसी? कोई बेचारी मार खा रही है क्या? मुझे लगता है बाबू की तहेलियों को भी उठा के लाए हैं। चुप कर, अगर भैंस की तो जबान काट दूंगी। सच बता, इतनी सुबह जंगल में क्या करने गई थी? पूजा करने। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन भी ऐसी करनी थी। अब अगर कदम बाहर रखा ना तो तेरी टांगें तोड़ के रख दूंगी, समझी? लेकिन कॉलेज का क्या? कॉलेज जाके कौन सा तीर मारना है? लेकिन मैं तो किस बात की कमी रह गई थी बेटा, जो ऐसा सिला दिया? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश थी जो हमने पूरी नहीं की? दो दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, उनको धोखा देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? धोखा? इसके लक्षण अभी से बता दे कि किसी दिन ये हमारा मुंह काला करेगी। हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, किसी गैर मर्द की शक्ल भी नहीं देखी। हमारे बच्चे तक ऐसा नहीं करते, ये प्यार व्यार ये क्या होता क्या है? क्यों जी, उनके बारे में कुछ पता चला या ऐसे घूम फिर कर आ गए? कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी हालत एकदम घंटे जैसी हो गई है मंदिर के। जो भी पूजा करने आता है सबसे पहले घंटा ही बजाता है, हर कोई बात शुरू करता है तुम्हारी दीदी की, ने घंटा बज जाता है तुम्हारा। उनके लिए पूजा करने गई थी क्या? पूजा करे मेरी जूती, पागल गई है कि प्यार करो और भाग जाओ, बस हो गया।
उसकी एक छोटी बहन भी है, वो क्या करेगी, उसकी जिंदगी का क्या होगा, उसके बारे में जरा भी सोचा उसने? अच्छा होगा कि वो दोनों पकड़े जाएं। वो सब भले मुझ पर भरोसा ना करे, पर पापा तो भरोसा करते हैं। देखना, ढूंढने में कसर ना रह जाए। सुनो, ठीक है भैया। देखिए ना पापा, कल तक मैं सबकी नजरों में एक प्यारी सी गुड़िया थी, पर अब तो जैसे सारी गलती मेरी है, यहाँ हर कोई मुझे ही डांट रहा है। मैं जानता हूँ मेरी बच्चियाँ ऐसी नहीं, बड़ी ने धोखा नहीं दिया, उसकी कोई भूल नहीं है, उसे बहकाया गया है। लेकिन मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी पापा। तो ही पलोसन तो है नहीं, खिलके पे क्या करता है? पूरे गांव में 200-300 घर होंगे, उनमें उस लड़की को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। तूने एक घर छोड़ दिया, वो यहाँ का एक लौता शमशान है, कौन उल्टी हरकत की तूने तो हम भी तो का नहीं बचा पाएंगे। आगे के भाई और कोई होशियारी करने की नहीं सोचना। ये कहाँ जा रही हो? जानती हो वो कौन है? गुंडे लोग, उनकी आंखों में आके डाल के देखोगी तो फंस जाओगी। तुम्हारी बहन ने भी तो नजरें मिलाई, पूछी फूर हो गए। मर्दों ने अपने स्टाइल से पूछा, अब औरतों की बाली है यार। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन इतनी बड़ी बात न जाने उसने मुझे क्यों नहीं बताई। हो सकता है तुम उन लोगों से डर रहे हो, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ समझो। मेरी बेटी कहाँ है मुझे बता दो। तुम भी ना माँ, ऐसे पूछोगी तो थोड़ी ना बताएंगे। माँ, हम भला किसी से क्यों डरे आंटी, हमें पता होता तो बता देते, हम सच में कुछ नहीं जानते। रो 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 रो, ये लोग से कुछ भी पूछना बेकार है। मुझे उनसे कुछ पूछना है? कोई फायदा नहीं, चलो तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी। रसिया। हाँ, अभी आई। जरा सुनिए। कौन? माँ को तो पूछना ही नहीं आता, मेरी दीदी कहाँ है बताइए ना प्लीज। शुभलक्ष्मी की बहन हो, तुम भी आओ, तुम्हारी कमी रह गई थी। क्या मुसीबत है यार, पहले इसका बाप, फिर इसकी माँ, और अब ये आई है। लगता है इसी टॉर्चर की वजह से शुभलक्ष्मी 9 to 11 हो गई। नाराज क्यों होते हो? क्यों ना हूँ, अरे शक्ल दिखा के बात करो। भूल जाओ, तुम लोग गुंडे हो, अगर शक्ल दिखाई तो मैं फंस जाऊंगी। अच्छा तो इसलिए तुम कमर दिखा के फंसा रही हो? ऐसा नहीं है जी, दीदी मिल गई तो मुझे डांटनी पड़ेगी। एक तरफ उसे इतना ढूंढ रहे हो, उसके मिलते ही सजा दे दोगे। उन्होंने गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए, शरीफ लोग ऐसा थोड़ी करते हैं। अच्छा बेटा, तो फिर यहाँ शरीफ कौन है? मैं हूँ। अच्छा, और? मेरे पापा। ओहो, एक को तो भूल ही गई। वो कौन? मैं। तब तो आप मेरी मुसीबत को समझ सकते हैं, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों कैदी हैं। सब मुझे ऐसे डांटते हैं जैसे मैंने ही दीदी को भगाया हो। अगर आप मुझे उनका पता बता देते हैं तो मुझे डांटनी पड़ेगी और आप भी छूट जाओगे। ओ हेलो, तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूँ, ना ही उसकी वजह से यहाँ रुका हूँ, मेरा अपना पर्सनल काम है इसीलिए यहाँ रुका हूँ। पर आपको क्या काम है? कौन काम नहीं, अरे हमें मरवाओगे का? शांत हो जाओ, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बताइए ना आपको क्या काम है, हो सकता है हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। रुक जा भाई। ए, सच में मदद करोगी? क्यों नहीं, मदद करूंगी ना। करोगी? तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम बदल करने का वादा करती हो तो फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। मैं वादा करती हूँ, बताइए तो सही। मैंने इस गांव में खूबसूरत लड़की को देखा है, उससे प्यार करता हूं, उसे ढूंढ निकालने में मेरी मदद करोगी? खुद को क्या राज समझते हो? हा? जो सिमरन को ढूंढने के लिए मेरी मदद मांग रहे हो? बाबूजी से कहकर गोली मरवा दूंगी, तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से हमारे घर में मातम छाया हुआ है, मैं गांव के किसी और घर को इस बेइज्जती से नहीं गुजरने दूंगी। भीख मांगोगे तो भी मदद नहीं करूंगी, तुम्हारी पापा से शिकायत करूंगी, देख लेना लोफर। अरे सुनो तो, आगे का प्लान व्हाट है सर जी? पता नहीं हमें कहां कहां से काटेगा। यहां आया, लड़की देखे प्यार कर बैठा और मुझे ही लड़की ढूंढने को कह रहा है। आने दो पापा को, उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। कुत्ते की दुम,
ओहो, मैं यहाँ दीवारों से बातें कर रही हूँ क्या? क्या बताओगी पापा को? पछी पता चले उल्टा तुम्हारी बज गई। ऐसा नहीं है, ये लातों के भूत है, उनको ऐसी लात मारो। तुम क्यों गिर गई? तुम नहीं तो लात मारी। मैंने? हाँ, मेरा काम बढ़ा दिया। माय डियर शुभ लक्ष्मी, ये सारी पपियों के साथ, ये तो लव लेटर है। दीदी अपने लेटर्स मेरे कमरे में रखती थी। जरूर जरूर तो भी लेटर चाचा के हाथ में आ गया। बच गई बैंड। तो चाचा को एक लव लेटर मिल गया, जल्दी साफ करो। नीना ऊपर है? हाँ ऊपर ही है। इन सबको बाहर जाकर जला दे। मैं नहीं जाऊंगी। इस कपड़े को तो नहीं है। जा जा। हे। कोई प्रॉब्लम है? क्या ये? ये क्या है? तुम्हें अपनी दीदी के लव के बारे में पहले से मालूम था? क्या आप शक कर रहे हैं मुझ पर? रसिया, तुम्हारे हाथ में क्या है? कचरा है और कुछ नहीं। रवि, कूड़े की टोकरी को चेक करो। भैया, इसमें सिर्फ कचरा है। अगर पता चला कि उसके भागने में किसी का हाथ है, तो वो आदमी घर का हो या बाहर का, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। जाओ अंदर। बाप ले, ये दे त्याय। जरा दिखा। ओए। अभी का है। रसिया सुन, लेटर्स जला दिए ना। क्या बोलूं, अब आपकी हालत ऐसी है कि एक तरफ को अभी जी बाजू खाए। पर हुआ क्या? गलती हो गई, मैंने कागज कोठरी में फेंक दिए। कोठरी में फेंक दिए? बेवकूफ, तेरा गला दबा दूंगी। जल्दी जा, कोई देखे उसे पहले लेकर आ। गुंडों के पास। अरे अभी तो मैं सिर्फ डांट खा रही हूँ, अगर ये लेटर किसी के हाथ आ गए तो सोच मेरा क्या होगा। तुम यहाँ रुक के सब संभालो, मैं वहाँ जाके संभालती हूँ। ये लव लेटर हुका मुंह पर मारूंगा। नील कांत, शोर मत मचाइए प्लीज। धीरे 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 बोले। ये सारा किया धरा तुम्हारा, भुगते हम। बुला तो हर बाप को। ओ नील कांत, डर बोल डर। नील कांत सर, नील कांत बाहर आइए, बाहर निकलिए। गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज चिल्लाइए मत, प्लीज शांत हो जाइए। मुखड़ा तो दिखाती नहीं है और सब कुछ दिखाती रहती है। डर की कहीं का प्लान वर्ट है सर जी। जाओ अपना बक्सा उठा लो, हम जाएंगे। हां हां, घर जाएंगे, तू ही जाएगा। चलो चलो। नाम क्या है तुम्हारा? मीना सर। क्या तुम्हारा बाप घर पर है? लेकिन क्यों सर? बुलाओ उन्हें, कुछ सौदा करना है। मुझसे सौदा कीजिए ना, मुझ पे तरस खाइए, फंसी तो मैं ही हूँ ना। इससे काहे बतिया रहे हो, इसके बाप से बात करते हैं। बात करने दे सर, वो सारे कागज दे दीजिए ना सर। क्या कागज? लेकिन ये तो लव लेटर्स लग रहा है मुझे। लो, 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 लव लेटर्स है। और तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। पर आपने कब देखी? मुझे तुम्हारे जीजा जी ने बताया, वो इन लेटर्स को तुम्हारे नोटबुक में जो रखते थे। ऐसा क्या? ओ, ये देखो ये देखो, क्या लिखा है इसमें? दे दीजिए ना सर, प्लीज सर। स्कूल बंक करके तुम मूवी देखने गई थी, टिकट किसने दिया था? दीदी ने। दीदी ने दिया था? बिल्कुल नहीं, ब्लैक में तुम्हारे जीजा जी ने खरीदे थे। पर तुम्हें कैसे पता? सब इसमें लिखा है ना। और हाँ, तुम्हें रॉकस्टार वाला हीरो बहुत पसंद है ना? उसमें लिखा है तो पसंद होगा मुझे। बाप रे, अगर तुम्हारे बाप को ये पता चल जाए तो वो तो सुसाइड कर बैठेंगे यार। तुम दोनों बहनें बड़ी चैप्टर निकली। ऐसा तो मत कहिए सर। सर, किसी ने तो कहा था मैं आपके भी लायक नहीं हूँ। ऐसा कहा था? माफ कर दीजिए सर, मैं तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। बहुत हो गया यार, बुलाओ तो। नीलकंतर, नीलकंतर, ओहो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, प्लीज चिल्लाइए मत ना सर। जब वो हमें मार रहे थे तब तो नहीं रोका, वो लेटर लाइदर। अरे मैं लेटर तब दूंगा जब मेरा काम हो जाए। अब मरे सर, आगे के प्लान वर्ड्स है। अरे सारे लेटर तो हु के पास है, अब हमारी बच गई। ओए, हमारी हेल्प करेगी ना? जो आप बोले सर।
पता लगा उस लड़की का। पता लगाओ, इस तरह के काम का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, पता लगाओ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। जान से जाऊंगी अगर पापा को पता चला। तेरी इस फैमिली और बाप का चैप्टर अब क्लोज करते हैं और मेरे प्यार का नया चैप्टर शुरू करते हैं। समझ गई? क्या हुआ, इरादा बदल लिया क्या? नहीं, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना सर। वो लड़की दिखने में कैसी है ये तो बताइए। बाबू के सारे रिश्तेदारों को हमने मार पीट कर पूछताछ की, लेकिन सबका यही कहना है कि बाबू वहाँ पे आया ही नहीं। नेल्लूर से बंटी का फोन आया है कि शीनू अभी तक लौटा नहीं है। भैया अपने गांव के इंस्पेक्टर हैं, आप कंप्लेन लिखवा लो, बाकी वो सब संभाल लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो मेरी बेटी है, कंप्लेन किया तो उसकी बदनामी होगी, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। आपका फोन। सुनो वकील, उससे कहो वो खोजता रहे, इस कंप्लेन के बगैर वो जो भी करना चाहता है वैसा करे। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस, और मुझे वो कुत्ता भी चाहिए। हाँ। हमारे परिवार को जाने के बाद भी हमारी लड़की को कुछ पता चला? बस एक बार मुझे वो मिल जाए, उसके बाद इस गांव में कोई प्यार करने की भूल नहीं करेगा। प्यार करना क्या पाप है? क्या कहा? हाँ, पाप है। ए, चुप कर, कुछ कहना है तुझे तो अंदर जा। हेलो। हाँ, आपका खुदकुशी करेगा? हाँ, अपने मोहब्बत के लिए जमीन आसमान एक कर सकता हूँ, खुदकुशी। पल वो तो ढूंढ लिए ना लड़की को। हाँ। मेरे भाई ये प्यार है, खुद को भी कोशिश करते रहनी चाहिए। ये तो तत में पागल हो गया भैया। आप उसको लव करते हैं सर? अबे तू उसको तलाना बंद कर ताले। ऊ के साथ तुझे भी घर नहीं जाना है का? लव को किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता, लव इज लव, उसके लिए तो जिंदगी कुर्बान, समझा? एक कृष्णा है और एक अर्जुन, अब ये प्यार के गीत सुनाएंगे। इसकी तो ऐसे गीत गाएंगे तो ये लोग शहीद हो जाएंगे। अगर ये बात किसी ने सुन ली तो हम मारे जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया। बाहर आओ। अब फिर दिया नया ड्रामा है। हाँ, तो सुनो भाई। सुनाइए सर। ये जो सब गांव वाले हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, कपड़े गंदे हैं, बुद्धू हैं, मजदूर हैं, अनपढ़ लोग हैं ये, पर तुम तो सिविल, एजुकेटेड, स्मार्ट। करेक्ट। तुम इन लोगों के बीच कैसे फंस गए? बता, बताएगा कि नहीं? मुंह खोला गया इसने। ये लोग बहुत ज्यादा होशियार है सर। आपसे ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही, समझदार। इसलिए अगर कुछ भी पता हो तो बता दो, मैं वादा करता हूँ मेरे होते तुम्हें यहाँ कोई छुएगा भी नहीं। ये भरोसा अगर मुझे पहले किसी ने दिया होता मैं बोल देता। इंटेलिजेंट है भैया। थैंक यू सर। आप ही को देख लीजिए, शहर के लोगों की तरह इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, स्मार्ट हूँ। करेक्ट। फिर इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए ना। समझा नहीं, कैसे? समझाता हूँ, बाबू के पास हम जैसे घटिया दोस्त हो सकते हैं तो शुभ लक्ष्मी के पास भी ऐसी सहेलियाँ होंगी। हो सकती हैं, पर उनसे क्या पता चलेगा? आप उनको नहीं जानते सर, उनके पास सारी खबरें होती हैं। मतलब? कुछ लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा चालू होती हैं, चाहे किताब के बीच लव लेटर रखने का आइडिया हो या चोरी छुपे जाकर फिल्म देखने की बात हो, वो सब कर लेती हैं और फिर भागने के बाद गायब होने के बाद। ओके, बात यह है कि लव लेटर जलाकर सहेली अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देती है। सर जी, अगर चल के गांव की हर एक लड़की से पूछे तो कुछ तो पता चलेगा। शाम तक वो लड़की आपके हाथों में होगी। ओ मेरे लाल, ये ससुर अपनी वाली ढूंढने के लिए आइडिया दे रहा है। ऐसा वैसा आइडिया नहीं है रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। इंस्पेक्टर, इसने कुछ बताया? बताया, बहुत कुछ बताया सर। इसने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बताया सर। इनकी तरह अगर हम आपकी बेटी की सहेलियों से भी पूछताछ करें तो? जैसा तुम ठीक समझो। ओके। हाँ तो बांगड़ू तुम आराम करो। सर, हवलदारों चलो। यार इसने तो सारा प्लान चौपट कर दिया। इन ससुरों को खोजने दो, इन्हें कहाँ मिलेगा? गोबर मिलेगा, वहाँ की बदबू मिलेगी, और क्या। तू चल यहाँ से, चल। इन्हें कोठरी में डाल और ताला लगा। ए, चलो अंदर। नहीं जाऊंगा मैं। हम यहाँ कौन सा गिल्ली डंडा खेल रहे हैं? उस लड़की को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद तो कर रहे हैं। हाँ। लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती हैं। हमारी ये चोटें उन्हें दिखाओगे तो उन्हें दया आएगी और वो सच कबूल लेंगी, वरना जाओ जैसे ढूंढना ढूंढो, हमें क्या। चल, लड़की चल, मिलने से रही। इन गुंडों की पर्सनालिटी देखकर मुंह का दरवाजा तक नहीं खोलेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप चाहे उसके सामने तिजोरी खोल के रखो या भीख मांग लो। अरे कल्पेश। हाँ भैया। उन्हें भी साथ ले। जी भैया। सुना भाई ने क्या कहा? हमारा फिर तबला बजाएगा। तबला नहीं, पुंगी बजाएगा। सर जी, शुभ लक्ष्मी की फ्रेंड्स के अलावा गांव की हर लड़की से मिलना पड़ेगा। वो क्यों भला? पूछेंगे तभी तो। शाम तक वो लड़की वो लड़की हमारे हाथ में होगी। हाँ तो बांगड़ू अब हम पूछें। माजे। सर जी, भैंसे जैसा मत चिल्लाइए। माजे। ठीक है। नीचे नीचे।
माँ जी आगे बढ़ो, क्या काम है? तुम शुभ लक्ष्मी की सहेली हो ना, आगे तू पूछ। तुम्हारे किसी दोस्त को सुबह सुबह खेतों में घूमने की आदत है? ये क्यों पूछ रहा है तू? गांव की लव स्टोरी खेतों के कोरे में ही शुरू होती है। ऐसी बात है, वहीं से तितमत भी फूटती है। तो फिर बताओ। नहीं, मेरे ऐसी कोई दोस्त नहीं। पूछ कर कोई फायदा नहीं, रॉन्ग नंबर है। काकी, तुम्हारी कितनी लड़कियां हैं? 9 हैं। 9 हैं? उन्हें बुलाओ तो, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। सब अपने 9 बच्चों के साथ अपने अपने ससुराल में हैं। ससुराल में? ए, बांगड़ू, कोहरे का तो पूछ। शादीशुदा औरतें कोहरे में नहीं जाती। मैं नहीं जाती, शुभ लक्ष्मी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे वो बात नहीं है, ये किसी और ट्रैक पे जा रही है, चलो चलते हैं। बाबू ही उसका पीछा करता रहता था और कहता था वो उससे प्यार करता है, उसके बिना वो मर जाएगा। इसमें शुभ लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है, शुभ बिल्कुल बेकसूर है। ये गांव का आखिरी घर है, यहाँ कुछ पता नहीं चला तो मरेंगे। अरे रे 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 रे, मैं मर गया। ये लीजिए। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम कोहरे में जाती हो? हाँ, जाती हूँ। कृष्णा, ये लड़की कोहरे में जाती है भैया। कोई बात नहीं, लड़की नहीं मिली तो क्या, मेरा वजन तुम्हारी वजह से 200 ग्राम कम हो गया। जरा सुन, गांव की सारी छोरियां तूने देख ली, उसे ढूंढना मुश्किल है, चल चलते हैं। मुश्किल नहीं, इजी है। अगर सच में मैंने प्यार किया है तो वो जरूर मिलेगी, मुझे भरोसा है। इसलिए परेशान कर रहा ना क्योंकि उसके पास लव लेटर्स हैं। उन लेटर्स को हासिल कर लूं फिर मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? जब लोग गलत हो तो उनके साथ गलत काम करना कोई गलत नहीं है। तुम ही जाओ, मेरे को तो अंदर जाने से डर लगता है। फटपू कहेगी। मिल गया जो छोरा छोरी, कोई मस्ती थोड़ी थोड़ी प्यार का नाम लेना। I hate love stories. ओ सर जी, एक यहाँ पर भी दो ना। थैंक यू। अरे मालकिन, वो लोग वापस आ गए। बेकार का घुमा के लिया। मैं जा रही हूँ, तुम भी कहीं छुप जाओ। अपना ये पागलपन बंद कर। अगर मजनू ने हार मान ली होती तो ये दुनिया कभी उसे याद नहीं रखती। रुका क्यों? चल। कहाँ छुपाए हैं वो लेटर्स? ये छोटे दरवाजा खोल। ताला लगाना मत भूलना। ये तब क्या हुआ? हे भूचाल यहाँ कमिंग, भाई ये रूम इतना बिखरा हुआ है, लगता है और लोगों को लाकर यहाँ पीटा है। बिना मार पिटाई दिए इनका खाना नहीं पत्ता क्या? किसी और को मुर्गा बनाया गया होगा। इसे तिनारे रखो, पूरा दिन खराब कर दिया। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? कपड़े सुखा रही हूँ। जल्दी घर पे जा, चलो दूसरा काम निपटाते हैं। ओए, मैं जानता हूँ तुम यही हो, चुपचाप सामने आ जाओ। खिड़की में आओ, आ जाओ। सर, ढूंढ लिया ना? मिल गई क्या? नहीं। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें लड़की मिल गई या नहीं? मैंने बहुत ढूंढा सर, पर नहीं मिली। देखो झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है इस गांव में कितने घर हैं? 615। और पता है यहाँ कुंवारी लड़कियां कितनी हैं? लगभग 39। मुझे यहाँ कमरे में बंद रहने के बावजूद ये पता है, और तुम वहाँ आजाद पंछी होने के बावजूद ये पता नहीं लगा पाई? क्या यार, मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं बाहर गई तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ देंगे? तुम्हारे बाप को बेवकूफ बना के घर से निकले, तुम्हारे प्यारे चाचा ने हमें गांव दिखाया और हमारी पहरेदारी की। थोड़ी अक्कल लगाओ, तुम्हारे अंदर क्या भूसा भरा है? मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, आपकी तरह चालाक नहीं हूँ सर। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, सीधी सादी लड़कियाँ चोरी नहीं करती। दोबारा नहीं करूँगी सर, इस बार छोड़ दीजिए, इस घर से निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है?
ऑलरेडी तुम्हारी दीदी ने साबित कर दिया ये मुश्किल नहीं है। एक बार मुझे अपनी वाली लड़की मिल जाए फिर उसे लेके उड़ जाऊंगा। तुम्हारा तो ठीक है पर उसमें भागने की हिम्मत नहीं हुई तो? मुझसे प्यार करेगी तो हिम्मत आ जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर कैसे होता है? उसने एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देख लिया तो गई काम से। जानती हो आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। तुमसे कुछ पूछूं? वो पसंद क्यों नहीं करेगी? पसंद आ गया तो फायदा क्या है? यहाँ के लोगों को नहीं जानते, तुम तो मरोगे साथ में वो भी। प्यार किया तो डरना क्या? जैसे तुम्हारी दीदी और बाबू भागे थे वैसे ही भाग जाऊंगा। हमने गांव के सारे घर छान मारे भैया। गांव वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। सारा किया धरा उस कुत्ते का। उसने शुभलक्ष्मी को धमकी दी थी कि वो साथ में नहीं चलेगी तो वो खुदकुशी कर लेगा। गांव की हर लड़की से पूछताछ करने के बाद ये पता चला है कि उस लड़के ने शुभलक्ष्मी को भगाया। पापा क्या ये गलत है? भाग जाना गलत है क्या? सरासर गलत। उन्हें मार डालूंगा जो उनकी मदद करेगा। वैसे कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? तू अंदर जा, जा। वो कहता है लड़की को भगा ले जाएगा, मदद की तो घर वाले मुझे मार डालेंगे। जरूर मैंने पिछले जन्म में पाप किया होगा, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ एकदम बराबर, पर तुम्हारे पाप की सजा मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। रोकने पर भी तुम वहाँ जाने से रुकी नहीं, अब ये सोचो उनसे कैसे बचोगी। मेरे पास एक रास्ता है उससे बचने का। तुम्हें बचाने के लिए कोई लड़का है तुम्हारे पास? उसकी मदद करूंगी। हम ओके राजा रानी की कहानी सुनाओ, ओके बिना हमें नींद नहीं आती। उसका मदद तो रहूंगी तो वो क्यों आई थी? अब तो ही शांत नहीं है। तू तो सो जा। उसकी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ढूंढ लूंगा। कहां पर? मैं उसे वहीं ढूंढूंगा जहां पहली बार देखा था। हो सकता है मुझे वो वही मिल जाए। पगला गया होगा, एक जगह टिके रहो, अगर पकड़े गए तो तीन मर्डर एक सुसाइड होगा। चुप रहो, तुम मदद करोगे तो मिल जाएगी। भूल जाओ, ये कोई सामान है जो दुकान पे मिलेगा। मैं करूंगा योर हेल्प। अरे तो के हेल्प की जरूरत है, तू का इसकी हेल्प करेगा? लव के लिए करेज चाहिए, देन लव पाया जाता है सर। मैंने अपना लव लॉस्ट किया बिकॉज मैं कायर था। आप में वो करेज है, आपको वो मिलेगी। थैंक्स यकू, लेकिन हम दोनों इस गांव में नए हैं। कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसे ये जगह पता हो। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तोड़ने जा रहा हूं, तू भी तो दा। रास्ता ढूंढने के लिए प्यार और हिम्मत काफी नहीं। हम आ गए। ये तो इतना खुश है जैसे पार्टी करके आया है। हाँ तो भैया, हमको जब कुछ याद आ जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। कुछ खाने वाने को नहीं मिल रहा है? जो उंगली जैसे पतले हो गए हो उसी किया, कहाँ गया, गायब हो गया का? मैं यहाँ हूँ। ओहो अब तक मरे नहीं हो? बहुत उछल रहा है, राज क्या है? कौन जानना चाहता है, कहे जानना चाहता है? कन्याकुमारी वाले दोस्त के पास जाकर कौनो फायदा हुआ? इसी को कहते हैं अकलमंदी। तुम दुख उठाए, हम दिमाग लगाए, तुम यहाँ फंसे रहे, हम आजाद घूमते रहे, तुम जूठा बासी खाते रहे और हम टंगरी तोड़ते रहे। लोगों ने खिलाया? वो लोग उतना बुरा नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। हमको एसी में घुमाए, बढ़िया से खिलाए। ये इसे कहे खड़ा है मुलटका के? भागते बखत पकड़ा गया था और खूब पिटा रखा। ये मेरे काम का आदमी है, तू तो दूरी। कुछ पर्सनल है कारे? अरे कुछ नहीं यार, ये मॉर्निंग वॉक के लिए मना कर रहा था। मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हो तुम लोग? रनिंग में प्रॉब्लम है, वॉकिंग में मजा आता है। नहीं चुप कर, तुम लोग इसके साथ जाते हो का? बकवास करता है वो। चल जा चल जा। अरे कृष्णा, यू एंड मी मॉर्निंग वॉकिंग वेटिंग। अब हम दोनों मॉर्निंग वॉक पर बात करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। ही इज द फंस गया सर। अरे कृष्णा संभाल के रहे, जब फिसलता है रे, देख देख संभाल के। टहलने के लिए हम कूद कहे के लिए रहे हैं भाई? वार्म अप रे। एक बार और कूदे का? जितना कूदे उतना काफी अच्छा। ओके तुम लोग जाओ रे और नाली में मुंह धो के आओ। ऑल द बेस्ट सर। अबे मोटे भागना, अगर हम चड्ढी पहने होते तो भाग के दिखाते। वॉकिंग थुमक थुमक कर होना चाहिए, ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। एथलीट दाऊद को भी हम ही भागना सिखाए हैं। अच्छा ये बात तुझे अब पता चली क्या? हम जानते हैं पर बताते नहीं हैं। तुम ही सोचो, दाऊद को आज तक पुलिस पकड़ कहे नहीं पाई है? वो भी यही प्रैक्टिस करने आता था। अरे प्रैक्टिस करने के नाम पर वो खाली टहलता था, लेकिन भागना तो हम उसको सिखाए हैं, तब जाकर के वो यहाँ से भागा है और दुबई पहुँच गया है। ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं तो हम मॉर्निंग वॉक करने लायक बचेंगे नहीं। अरे कारे टकला, क्या हाल है? टकला किसने कहा?
हमारा मुंह कहे बंद कर रहे हो? मैं उसके साथ जॉगिंग के लिए जाने वाला था ना, तेरे साथ आया हूँ, उसे बुरा लगेगा। अच्छा, तू हमसे ज्यादा प्यारा है। अब बोलो किधर चलें? ठीक है, अब वहाँ चलो जहाँ इन्होंने हमें पकड़ा था, फिर वहाँ से वापस चलेंगे। ओके, लेफ्ट राइट। कहाँ जा रहा है? इस शॉर्टकट है। अरे अरे, वॉकिंग पर वॉकिंग करो, रनिंग मत करो। थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा पतला हो जाएंगे तो शादी का प्रपोजल आएगा तो थोड़ा अच्छा दहेज मिलेगा। ए मोटे, चल यहाँ से। अरे सूरज निकल रहा है, चल। अरे सूरज निकल आया तो क्या हुआ, तनी आउट टहलते हैं, चलो। नहीं नहीं, बस बहुत हुआ, चल चलते हैं, बहुत हो गई वॉकिंग। वो हम लोग को देख लेगा तो बुरा मान जाएगा। ए, तुझे कोठरी में जाने का शॉर्टकट पता है ना? पता है। उससे जरा गुड मॉर्निंग बोल के आता हूँ। ठीक है, तनी जल्दी आना। अरे तो मॉर्निंग वॉक करने गया था, बॉक्सिंग खेलने लगा। वही तरीका है, बिल्कुल वही तरीका है। लगता है लफंगा फिर से भाग निकला है। ए, नहीं छोड़ूंगा। चल 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 भाग। अरे भागेंगे क्या है, हम तो यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। अपने हिसाब से वॉकिंग, मगर उनके हिसाब से रनिंग है ना। अरे यार, हम उनकी जानकारी में यहाँ हैं, बिना बताए क्या है? बात कर रहे हैं यार, बता के आते तो वो हमें। अरे बापरे, बिना बताए आए हैं और ये सब जाने बिना हम यहाँ सेहत बना रहे हैं। अरे भैया सर पर भागो रे। भगवान जी, वो जो लड़की ढूंढ रहे उसे दिला दो और मुझे बचा लो प्लीज। जल्दी भागो भैया। अरे कृष्णा, हमको उधर नहीं जाना है, हमको इधर जाना है। अरे, अरे मेरी मंजिल। अरे गलत रास्ते कहे जा रहा है? गलत नहीं, यही सही रास्ता है। अरे मरवाएगा क्या, हमको दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे मोटे, मैं इसी प्यार को तो ढूंढ रहा था। तू प्यार ढूंढ रहा है, इका घर में चल रहा है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा। हमको यहाँ फंसा के कहाँ चला गया? हमारा तो साला बैड लक खराब है। आज मुझे वो मिलते मिलते रहे। तुमको यहाँ लड़की का पड़ा है, अगर हम वहाँ गंजे पठान से पहले नहीं पहुँचे तो हम लोग गंजा हो जाएंगे, समझे? तो चल वॉक करते हैं। वॉकिंग नहीं, रनिंग करना है। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? अबे शॉर्टकट है ना, चल। अरे तो रुक, आ गए, भागो। तुम लोगों का हीरो कहाँ है? जब आप पिछली बार भागे थे तो उनका एक लड़की दिखी थी, मोटे के साथ वो हनुमान मंदिर के पास उसे मिलने गया है। हमको माफी दे दो, हमें कुछ नहीं पता। कहानी सुना रहा है? इसमें हमारी कौन गलती नहीं। तुम लोगों की खालो देड़ दूंगा। भैया कृष्णा ने तो हमें जान से मार देंगे। जल्दी जल्दी वो आगे। भैया वो भाग गए, आइए। अरे लाइट चलने से पहले हमको कोठरी में पहुंचना होगा, जल्दी करो, जल्दी आओ। दो कैदी भाग गए हैं। अरे तो लाइट जल गई, लगता है दौड़ते दौड़ते मर ही जाएंगे। सालो, तुम लोगों को क्या लगा यहाँ से बस निकलना आसान है? ऐसा मारूंगा एक एक खालू दे दूंगा। तुम दोनों तो भाग गए थे ना, जब जानता है तो पूछता क्यों है? मुझे मारता है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये वही है जिसने मुझे पत्थर से मारा था। क्यों मारा था? हाथ जोड़ के माफी मांग, मेरे पैर के तक भैया, तुझे माफी मांग साले। अबे ये क्या, अंगड़ाई क्यों ले रहा है? क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहा है? भैया ये दोनों यहाँ से भाग निकले थे। भाग निकले थे? होटल में कॉफी पीने गए थे क्या? इसने मुझे जंगल में आग बंद करके मारा भी था। अरे कहाँ यार? रेल की पटरी के पास। हाँ सर, मैं अब भी वही हूँ, जाके पकड़ लीजिए, तब तक मैं थोड़ा। सिर्फ हमारा ही नहीं, ये आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा है सर। यकीन नहीं हो तो इस मोटे से पूछ लीजिए।
क्या यार, रात की उतरी नहीं क्या? अगर ये भाग गए थे तो यहाँ कैसे? सुबह सुबह नींद खराब कर दी, चल। रात को ज्यादा चढ़ा ली थी, चल। एक बार हमको बताए तो होते। हम बताते, हम ना दिमाग लगाए ना दुख उठाए, हम खुश हैं कि हम बंधे रहे। ना तो वॉकिंग पे गए ना जॉगिंग किए। वो जॉगिंग नहीं था रे, रनिंग थी, हाई जंप था, लॉन्ग जंप था और एक रॉन्ग जंप भी था ससुरो। तेल क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। लव में लिटिल मुसीबत सर। प्रेम में मुसीबत नहीं है रे, जितना प्रेमी के दोस्त बनने में है। है? तू अब टेंशन मत ले मोटे, मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। क्या कह रहा है? अब हमारे खत्म होने का टाइम आ गया है। आराम से, आराम से। अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ, किसी ने पूछा तो नहीं? अभी तक तो नहीं। वो छोकरी मिली क्या? अरे मिल जाती तो क्या बात थी। ये लो, मैं जा रही हूँ लफंगों के पास। रोज रोज इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है। देखते हैं कहाँ जाकर कदम रुकते हैं। सर, तोहरा डाकिया SMS लाया है। ये कौन है? हीरो ने हीरोइन ढूंढने के लिए ईका फसाया है। ये छोकरिया कौन है? नीलकंठ की दूसरी बेटी। जोर का झटका। ए, वो मिली क्या? कुछ पता चला? मदर प्रॉमिस बहुत ढूंढा सर, आपकी गिनती गलत थी। इस पूरे गांव में 615 नहीं 630 घर हैं। और एक बात बोलो, कुंवारी लड़कियाँ 39 नहीं 49 हैं। वो कहती है मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ। वो सब गलत कहते हैं। मुझे भी यही फीलिंग है सर, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा सर। पूरा गांव ढूंढ मारा, अब मैं अकेली बची हूँ। अब चाहे तो मुझे देख लीजिए। ठीक है, टेंशन मत लो। मैं जानता हूँ तुम्हें जैसी लड़की मैंने बताई थी उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें मैं उसकी एक पहचान देता हूँ। उम्मीद है अब ढूंढना आसान होगा। अरे नहीं, हम नहीं देख सकते हैं। इस हूर की परी को मैं हर कीमत पर ढूंढ निकालूंगा। वो मुझे दे दीजिए सर, जब तक वो मिलेगी नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसी परेशानी में पूरे घर में बेचैन भूतनी की तरह इधर उधर बेवजह घूमती रहती हूँ। मेरी मन की शांति के लिए उसका। जिंदा नहीं छोड़ा। मेरे पास ले। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। जा। क्या उसको तुमसे सचमुच प्यार है? यानी कि इतने दिनों से तुम अपने आप को ही ढूंढ रही थी? क्या तुमने उसको देखा था? और क्या उसने तुमको देखा था? उसको मालूम है आप ही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे? है माता जी, आधी परेशानी तो दूर हुई, पर सच बोलूं मुझे लगता है आपकी नैया डूबने वाली है। अब क्या करूं मैं? भगवान को मना लो, वही आपको बचा सकते हैं। कैसे मनाऊं? उनसे कहिए आपकी दीदी जल्दी से मिल जाए, और तब तक वो गुंडा आपको देखे नहीं। तुम्हारा एक और दोस्त पकड़ा गया है, चल। अरे लगता है देर से मिला है, इसलिए खूब कुटाई हुआ है इसका। मार डालूंगा कमीने, जल्दी बोल। ए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं बताएगा तो तुझे तेरे दोस्तों के साथ उल्टा लटका के मारूंगा। बताएगा या नहीं? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मरेगा, बोल साले। उन्होंने मुझसे फोन पे बात की थी, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। कब किया था फोन? बता, कब किया था फोन? किसी काम से मैं चेन्नई गया था, तब फोन किया था। कसम खाता हूँ और कुछ नहीं पता। कहाँ से फोन किया था उसने? मेरी एक फ्रेंड बेंगलुरु में रहती है, वहां से। बेंगलुरु से? सर हाँ, आगे का प्लान वर्ड सर। छोरी मिल जाए तुम सब फ्री, तू तो हर घर में हम हमार घर में।
डकले मेरी एक बात सुनना, इन लोग संभाल लेंगे यार, अपने एक चाय पीते हैं। पिकनिक पे आया है क्या? मुझे लगी है यार, बहुत अर्जेंट है। जोर से मत दबाओ, सोसाइटी में कंप्लेंट करूंगी। ये कहां चला गया? अभी तो यहीं था। तुम लिफ्ट से आओ, हम सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं। तू मेरे लिए यही काम आपको कहां बताया? अगर नाम नहीं मिला ना, बंद करना। ए कृष्णा, अरे तू कहां से आया? दरवाजा बंद था तो मैं खिड़की से आ गया। आखिर हुआ क्या? कृष्णा यहाँ? ए तू गधरा है क्या? तूने खुद भगाने का टाइम डिसाइड किया और अपना मोबाइल बंद कर दिया। अबे मोबाइल बंद नहीं किया, तोड़ दिया। इसके घर वालों ने तेरे भागने के बाद वो हमें पकड़ कर ले गए। ए, तुझे बोला था ना किसी को मत बताना, तो ये बात तूने सीनू को क्यों बताई? ये वाला कमरा है ना? बात लीक हो गई है, शुभलक्ष्मी के चाचा बाहर दरवाजे पर है। वो आ गए, चलो चलो यहां से। कोई खोल क्यों नहीं रहा है? कल्पेश चाचा, तुम घबराओ मत, ये जो कृष्णा है ना, मुझे इस पर भरोसा है। एक बार हालात सुधर जाए फिर तुम आ जाना, ठीक है? चलो चलो चलो, जल्दी करो। याद रखना, तुम सीनू को ही पहचानती हो। शुभलक्ष्मी, चलो चलो जल्दी करो, चलो ना। हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, चलो घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़ो, चलो जल्दी संभल के जाना, जल्दी आ जाओ संभल के। यस, आपको कौन चाहिए? शंकर घर में है? अरे उसे छोड़िए, आप अंदर आइए, मैं हूँ ना। मैं ऐसा शौक नहीं रखता। एक एक करके आइए। हाय, इस तरफ चलो। भैया इस तरफ से। माँ जी में वो दम नहीं है। भाई तुम बालकनी में देखो। ए, मेरे साथ चल। तुम दोनों वहीं रुको। चुपचाप पीछे। मैं विधवा हूँ, मुझसे शादी कर लो। कहाँ गए वो लोग? मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी। बहन जी देखिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ। बहन जी बोल के ऐसे दिल मत तोड़ो। अरे रोको, बस को रोको, बस को रोको, चल जल्दी चल। ए देखो, हिम्मत मत हारना, रमेश तुम्हें रिसीव करने आ जाएगा, वो सब संभालेगा। तुम लोग घबराना मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ओ, एक बात भूल गया, ये थोड़े पैसे रख लो, काम आएंगे। हाँ कृष्ण, खुश रहना। एक मिनट रुको। एक बात बताओ, तुम लोग हैप्पी हो ना? हाँ तो तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। बाय। तू साला मिस्टर इंडिया है क्या? अचानक गायब, अचानक हाजिर। गायब? कौन गायब? मैं तो चाय पीने गया था। किससे पूछा गया था? चाय पीने के लिए भी पूछना पड़ेगा, देखना यार। टकला गई का, कभी अपनी माँ से नहीं पूछा, तुझसे क्या पूछूंगा यार, परेशान कर दिया है। हाँ कल्पेश भाई, नहीं मिली वो। क्या कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, भाग गया यहाँ से। सबको अंदर डाल। ए, तू क्या कर रही है वहां पे? बाहर निकल।
दरवाजा बंद कर, ताला लगा। शुरू से इस सब बवाल तुम्हारे कारण हो रहा है और हम ही लोगों से नाटक कर रहा है। तूने ही बाबू की शुरू से मदद की और हम ही लोगों पर चिल्ला रहा है कि हमें बताया क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों, क्या बताओ? क्या बताऊं तुम लोगों को? शांत हो जाओ भाई। तीन लाठियां पड़ी तो तीन गांव के नाम निकले, और एक पड़ती तो पता बता देते। दम तो है नहीं, बात करते। छोरी की माँ ने कितनी मिन्नती की थी तुझसे, तो कि उनका भी लिहाज नहीं? बिल्कुल नहीं। उसके माँ बाप का रोना धोना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं बाबू और शुभलक्ष्मी को हैप्पी देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। चलो मानते हैं हम तुम्हारी तरह महान नहीं हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि हम किस नरक में हैं, उसके बावजूद तुम उसकी मदद क्यों किए? वो मेरे दोस्त हैं, हेल्प करूंगा वादा किया था, अगर जरूरत पड़ी तो जान दूंगा। अरे मान गए, बहुत महान हो तुम, दोस्तों के लिए जान भी न्यौछावर है। ऊका तो बचा लिया, पर दोबारा हमारी जान लेने के लिए यहाँ क्यों घसीट लाए? हम तो हर दोस्त नहीं है का? बिल्कुल दोस्त हो तो मेरे लिए जान क्यों नहीं देते? तुमसे बड़ा स्वार्थी आज तक नहीं देखे। तुझे लगता है मैं स्वार्थी हूँ? हाँ, तुझे तेरी जान प्यारी है। उस नीलकंठ को अपनी मान मर्यादा, और उस खिड़की वाली लड़की को उसे क्या चाहिए? हाँ, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहन को चाहे जो हो जाए, वो अपनी जान बचाना चाहती है, इसे स्वार्थ कहते हैं। मेरा एक ही मकसद है, प्यार और उनका हैप्पीनेस। ये तो वही छोरी है, ससुरी ने सब सुन लिया। चलो देखे कहाँ चली गई, लगता है उसे सब पता चल गया। उस लड़की ने सब किया है, उसको चली गई, पता नहीं ये क्या करेगी। आप तो कमाल की है, एकदम सही टाइम पे वहाँ से निकल आई। वो भी कम कमाल का नहीं है, इतने दिनों तक दीदी और जीजा जी की मदद करने वाला वही है, उन्हें मुश्किल वक्त में बचाने वाला भी वही है। अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं करूंगी, इस झमेले से दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर है। उन्हें किसने भगाया? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, छोड़ दीजिए प्लीज। ए रवि, उन लड़कों को लाइन में खड़ा कर। मैं कुछ नहीं जानती चाचा। तू जानती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जल्दी बोल। पापा, पापा प्लीज इनसे कहिए ना। नीचे देख, 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 बता इनमें से कौन है वो, बता। मैं नहीं जानती चाचा। चाचा प्लीज छोड़िए। देख अपने पापा को, देख कितने लाड़ प्यार से पाला है तुझे, उनकी क्या गलती थी जो पूरे गांव के सामने उनका सर झुका दिया। अब पता इनमें से कौन है वो? जिसने भी उन लोगों की मदद की होगी उसको काट के यहीं दफन कर दूंगा। पता क्या ये जानता है उसके बारे में? ये था क्या वो? ये नहीं था। तो फिर ये? ये था? जल्दी बोल। जवाब दे मीना। ये बोल, ये था क्या वो? बोल किसे दे? चल। ये? चल बता। क्या ये था? बोल। चल। बोल। ये था? उनके मदद करने वाला ये था क्या? ये था क्या? हम आपके हाथ जोड़ते हैं। ओ मीना यही था। जवाब दे मीना, जवाब दे। चुप हो जा, चल। इसको दे, ये था वो। बोल, उसकी मदद करने वाला ये था क्या? पांच दिन से हम बिना खाए पिए उसे ढूंढ रहे हैं, तुझे फर्क नहीं पड़ता? बोल बोल जल्दी बोल। चाचा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे सब पता। बोल मीना जल्दी बोल। अब इन लोगों को कौन समझाएगा? मैडम उससे छुप रही है। चल मेरे साथ। चल देख उसे। चल। आंखें खोल मीना।
खोल मीना। इसे देख। बोल मीना। और बोल यही था। नाटक करने की क्या जरूरत है? बोला बनने की कोशिश मत कर। बता उसे कहां छिपा रखा है, वरना तुझे जान से मार दूंगा। बता, तेरी जुबान खुलवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए तेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जल्दी मुंह खोल वरना मरेगा तू। जो चाहे कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आपसे अपने प्यार को बचाने के लिए भागे हैं वो, क्या गलत किया? नहीं, अपना ये भाषण अपने पास रख। भाषण नहीं, सच्चाई है। आप उनका पीछा करना छोड़ दीजिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मेरी खुशी का क्या? चाहे जो हो जाए, मुझे वो चाहिए। वो नहीं मिलेंगे, चाहे जो कर लीजिए। मैं तेरी जान ले लूंगा। अपने दोस्त के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। अब देख, एक को बचाने के लिए तू कितने दोस्तों को कुर्बान करने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। तेरे दोस्त की वजह से तेरी जान जाएगी। वो दोनों हैदराबाद में हैं। कहाँ कहाँ हैदराबाद में? कहाँ? मैंने उन्हें हैदराबाद की बस में चढ़ाया था। देखो, इतना ही जानता हूँ मैं। तू सच बोल रहा है ना? यही सच है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। आपने उसको नजरे मिला के देखा तो कुछ हुआ क्या? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, उसकी आंखें नशीली नहीं है पर देख सकता है, नाक बहुत लंबी है पर सांस ले सकता है, कान हाथी जैसे है ने सुन सकता है, और चाहे वो आपसे दूर जा रहा है। अब छोड़ ना यार, एक अनजान लड़की के बारे में इतना कहे सोच रहा है तू? वो अनजान नहीं रही। आप जानते हो शी कौन है सर? जो इतने दिनों से इस खिड़की पर आ रही थी, मीना, नीलकंठ की दूसरी बेटी। ए, तू पागल हो गया? कैसी बातें कर रहा है यार? तुझे पूरे दांव में तू और लड़की नहीं मिली? चुप कर बे, इसका लड़की से प्यार करना ही काफी नहीं है, लड़की में भी हिम्मत चाहिए। वो तो इससे डर गई थी। देखो, तुम जैसे चाहोगे वैसा नहीं होगा। सामान बांध लिया? वो देखो, हम फौरन हैदराबाद जा रहे हैं और यहाँ इसका नौटंकी चल रहा है। चलो चलें, अपना पागलपन छोड़ो और चलो यहाँ से। ये वाला सामान उस गाड़ी में जा रहा है भाई। तू खुद रख दे, कोई गिरा देगा। हाँ ठीक है भैया, जल्दी कर, बहुत लेट हो रहा है। ये अभी भी छोरी को देख रहा है। एक लेने दे आखिरी बार, 5 मिनट में तो हम चले जाएंगे, इसकी लव स्टोरी का एंड हो जाएगा। चलो आप ये वाली गाड़ी में चले जाइए, वो सामान अंदर रखो, जल्दी करो। चल जल्दी कर। ओए मैडम जी, क्या कर रहा है? तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या? अगर करती हो तो बिना डरे बता दो, कम से कम हम जैसे बेगुनाहों को तो इसकी सजा नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे क्या गलत कहा सर, हम जाने वाले हैं हैदराबाद और ये यहाँ पर अकेली रहने वाली है। ये कहीं भाग गई तो आप तो दोबारा हमें ही पकड़ोगे ना, इसलिए कंफर्म कर लिया। वैसे कोई है तो नहीं ना? हमारी बेटी के बारे में उल्टा सीधा पकेगा ना तो जान से मार दूंगा। हैदराबाद भी तो आपकी बेटी के लिए जा रहे हैं ना। चलो तनी यहाँ बैठ ही जाओ। चुप रहने नहीं आता, मरवाओगे का? क्या बोलने की जरूरत है? कल्पेश सुन। हाँ भैया।
मीना को भी साथ ले जाए। उसे क्यों साथ ले जाए? वो लड़की मेरी जान है, उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए उसे यहां पर अकेला छोड़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। चल चल उसे भी ले आ, चल बैठ। हम जिस बला से दूर होना चाहते थे उसी को गले बांध रहे हैं। हमको तो लग रहा था हम तंदूर से बाहर आ गए, लेकिन ये तो फिर से भट्टी में झोंक दिया हमको। इतना टेंशन क्यों ले रहा है? शुभ लक्ष्मी को मिलने में बहुत टाइम है, उतने में मीना से जरूर आई लव यू बुलवाऊंगा। घर से बाहर निकलने में भी घबराती थी, इसने तो आपसे गांव ही छुड़वा दिया। ख्याल रखना अपना। सेट की वो यहाँ है सर, इन्होंने फाइंड कर लिया। फिर क्या? जब यहाँ होंगे तब तो फाइंड कर लिया। ए, कहाँ बोला रहे तू अभी? तुम्हें बचाने के लिए उनसे झूठ बोला था, मेरे जिंदा रहते वो नहीं मिलेंगे। हेलो, वहाँ एक सब्जी की दुकान होगी, वहाँ से लेफ्ट ले लेना, उसके आगे टेलीफोन बूथ होगा, वहाँ से राइट लेना। हम आ गए। आ गए? ओह, जीजाजी आइए आइए, नमस्ते करो, स्वागत है। चलो आ बेटा। नमस्ते। कितने लोग आए? पूरा काम तो नहीं आ गया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हाल है टोपी? गोपी। अरे क्या बात है, तूने लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है। टोपी टोपी मत बोल, गोपी बोल, और तू की जगह आप बोलू। हाँ। भूल गया बचपन में कैसे अन्नावन के गांव में लड़कियों पर कीड़ा करता था? मैं तुम्हें अभी बच्चा दिखता हूँ क्या? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं तो बस प्यार जता रहा था। कलुआ कोई छोकरिया है जो प्यार जता रहे थे? इनकी तारीफ? ये उसी लड़की के दोस्त है। तो वो तुम लोग हो क्यों बे? अच्छी घर की लड़कियों को भगाते हो? इतना मारूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाएगा। इस तरफ यही है सर। क्या रे? जहाँ टीना मीना रीना है उस कमरे में रहेंगे ये लोग। नाम इतना प्यारा है तो लड़कियाँ कितनी प्यारी होंगी। लड़की नहीं कुतिया है। अब चाय लेंगे? मीना को ऐसे चिपक के बैठा है, समझ में नहीं आता क्यों। तेरे जैसे बंदर से बचने के लिए। यकीन नहीं होता इतने बड़े हैदराबाद में आप उसे ढूंढने आ गए। उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। कहाँ से शुरू करेंगे? हैदराबाद में 10 रेलवे स्टेशन है, 20 बस डिपो है, 50 पार्क, 100 थिएटर और ऊपर से 1000 लॉज भी तो है। इतनी जगह जाना पड़ेगा? ऊपर से शादी का सीजन है, पता नहीं किस मंदिर में बुकिंग होगी। अरे कल्पेश जी, पहले जाके मंदिर का रजिस्टर चेक करो। हाँ भैया। और तुम लोग मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारो। अरे इस जगह हमारी शादी भी कराएंगे का? ओए, इन्हें बड़ी को ढूंढने दो, छोटी को मैं सेट। अरे ये सर, आगे का प्लान कहाँ है सर? बस देखते जा, आगे बड़ा देखते जा। सुनो तो, रुको मैं। चुप जा, नारियल खाओगी? घबराओ मत। तुम्हें जाने बिना अपने प्यार का इजहार किया मैंने, पर तुमने कुछ कहा नहीं, क्या जवाब है? तुम मुझसे दूर रहो, अगर पापा ने देख लिया तो मार डालेंगे। तुम घबराती बहुत हो, जब देखो पापा 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 बस हुआ, कृष्णा कृष्णा भी करो, लाइफ सेटल हो जाएगी। साठ साल में एक बार आता है, इस मुहूर्त में शादी करने वाले बहुत शुभ मुहूर्त है। तुम हाँ कर दो तो मैं तैयारी करता हूँ। करूँ? हाँ कर दो ना, अगले साल होने वाले हमारे बच्चे का नाम भी मैंने सोच लिया है। हाँ तो रेडी हो? जय श्री कृष्ण, जय राधे। उठ, रोकता है का? उठ।
सुन कृष्णा हरे कृष्णा। सर जी, ससुर जी ने कहा वो उधर देखेंगे, आप वहाँ देखिए और मैं यहाँ देखता हूँ। अच्छी बात है। ससुर जी ने, भाई साहब ने कहा होगा, मुझे क्या। अरे कहाँ चलेगी? तुम तो गायब हो गई। मैंने जो कहा उसके बारे में कुछ सोचा क्या? तुम्हारे इस लव के चक्कर में ही आज मुझे 20 आदमियों के बीच में अकेला घूमना पड़ रहा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। तो फिर क्या सोचा? मुझे पसंद करती हूँ? नहीं करती। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो पसंद नहीं करती? कह दूं तो पीछा छोड़ दोगे? शक्ल दिखाकर बोलो ना। ये शक्ल दिखाने को कहता हूँ तो कमर क्यों ढक लेती हो? जैसा था वैसे ही रखो। पापा, पापा। ससुर जी, ससुर जी। खबरदार जो मेरे पापा को ससुर कहा। इतना भड़क रही हो? तुम्हारे पापा को तो तुम पर भी भरोसा नहीं है। कोई भरोसा करे या ना करे मुझे परवाह नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए बहलाओ मत। हाथ कितने खूबसूरत है, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हो? मेरे प्यार की नैया किनारे पर लाता हूँ, आके डुबा देता है। देखिए ना सर, अकेली यहाँ वहाँ भटक रही थी, इसे समझाइए ये गांव नहीं शहर है, यहाँ के लोग मेरे जैसे शरीफ नहीं होंगे। मैंने सारे रजिस्टर देखे, कुछ पता नहीं चला। पास में ही एक आर्य समाज भी है, वहाँ जाकर देखें। आर्य समाज में शादी कर लूं? ये तो पागल है। भैया आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं पूछ कर आता हूँ। भाई साहब आप चलेंगे? चल। यार धूप में घूम घूम के थक गए हैं। और कुछ पता भी नहीं चला। बैठ जा। ये बैठना। डरता है साला, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, सर भी दुखने लग गया। ए मोटे, इन्हें बताना। हम उनको बताएं? ये सारा खेल हमारा नहीं है, तुम उसकी लड़की से प्यार करते हो। तू और मैं नहीं यार, इन पागलों को कोई ढंग से समझाने वाला आना चाहिए। चलो कोई नहीं है, आ जाओ। अरे सर सुनो, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है ना? पेपर वाले टीवी वाले दिख नहीं रहे। तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या? तो हो जाऊंगा। फिर ऑटोग्राफ दे दे। सर ऑटो का भाड़ा दे दो उसे। चलो चलो उठ, यहाँ के बैठो। आओ मधु, आओ बैठो। ए ये ताजा है ना? अभी बनवाया है। ए खाने पीने का बंदोबस्त तो है ना? लव मैरिज वीडियो वाले को बोला? बोल दिया। ओके भाई, ये ले पी। ए काफी है, काफी पैसे बचाओ। मैं अंदर जाके देखता हूँ सब ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ। जानू पिएगी? नहीं पीना चाहती, ठीक है मैं पी ले। लड़की के माँ बाप के बारे में पूछ रहे हैं। अरे उनको बोल हमें ढूंढने में लगे हैं। ठीक है। जरा सुनो, ये लड़की रो क्यों रही है? क्या कहा? इसे अपने डैडी चाहिए, डैडी, कंजूस डैडी। हाय आदमी एकदम बड़ा लेकिन दिल छोटा सा। हेलो, तुम्हारे बाप ने कभी पिलाया तुम्हें? पर मैं मोटर मैकेनिक हूँ, चार बोल्ट घुमाऊंगा, बिरयानी खिलाऊंगा, लोनावला घुमाऊंगा और क्या। नीलू की तो बजा दी इसने। नीलू कौन? नीलकंठ। कभी सोचा है क्या इसके माँ बाप का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर दुल्हा होगा। 2 महीने परेशान रहेंगे, 1 महीने और जोड़ लो, वो हमें यहाँ वहाँ ढूंढेंगे और हम लुका छुपी खेलेंगे। फिर शांत होने के बाद हमारा दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे, दामाजी बिटिया और आप घर आ जाइए। फिर क्या, उसी शाम रिसेप्शन, खेल खत्म, दुकान बंद। सही कहा ना? हाँ जी। सुना जी, इन्होंने प्यार को मजाक बना रखा है। प्यार में तो हम मजाक बन जाते हैं, प्यार एक फीलिंग है जो वहाँ पनपता है, यहाँ पनपता है, वहाँ, सॉरी पब्लिक में नहीं। भाई सब जरा यहाँ ना। अरे डरो मत, आ जाना। यहाँ पनपता है। यहाँ नहीं पनपता है सर। आपके पीछे जो पीली साड़ी वाली है ना, उसमें भी पनपता होगा। क्यों मैडम, है कोई आपका एडम? मैडम का एडम मैं हूँ। तुम पियोगी जानू? मधु के रिश्तेदारों को पता चल गया, वो सब मिलकर यहीं आ रहे हैं। रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, रिश्तेदारों को तो काट देना चाहिए। माँ बाप तक तो ठीक है, पर ये रिश्तेदार उंगली करना नहीं छोड़ते। लड़की भाग गई, टेंशन इनको। खुद की बेटी चिकनी चमेली, घर के बाहर जाकर घाट घाट का पानी पीते वो नहीं देखते। मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, तो क्वार्टर पी के टाइट। बस कीजिए। सॉरी भूल गया था, तुम यहीं हो। ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल कूल। देखो भाई साहब, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं, शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खिलवाड़ बना दिया तुम लोगों ने, किसके भरोसे पर आए हो यहाँ? फ्रेंड्स।
और क्या सर, बिना दोस्तों के लव मैरिज इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बस लड़की पसंद करने की देरी थी, बाकी पूरा का पूरा सेटिंग उन्होंने किया। जैसे मैसेज पहुंचाना, खुद तो विलन बन गए लेकिन मुझे हीरो बना दिया। जैसा उस दिन मैंने कहा सिनेमा की दो टिकट ले आओ, चार टिकट लेकर आ गए। हमसे बहुत प्यार करते हैं, एक ये बाजू बैठ गया, एक ये बाजू सिक्योरिटी गार्ड। जैसे अभी घर में प्रॉब्लम हुआ है तो होटल की बुकिंग हो गई। आर्य समाज में शादी करूंगा, कुछ लोचा हुआ तो यही दोस्त मीडिया वालों को बुलाकर बवाल कर देंगे। प्रेमी के दुश्मन घर वाले। दोस्त चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए सर, हर एक दोस्त जरूरी होता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ दोस्त तो सारी हदें पार कर देते हैं। बड़ी बहन के साथ दोस्त की सेटिंग करते हैं और छोटी बहन के साथ रोमांटिक ड्यूएट गाते हैं। सर ऐसे फ्रेंड सबको मिलने चाहिए। द मैन विद द गोल्डन गन सर। इस लाइन का मतलब क्या है? फैमिली फिल्म है, मतलब बाद में बताऊंगा। ऐसे दोस्तों को तो मार देना चाहिए। चलो मारो। अरे मारो, अरे मारो ना। आतंकवादी जुबान खोल सकते हैं पर दोस्त कभी नहीं, अपनी जान दे देंगे। ए, कौन है रे? बड़ी देर से बकबक सुन रहा हूं तेरी। एक तो लड़की भगाता है बिना ये सोचे कि उधर उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तेरी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे जैसे रोड साइड रोमियो की वजह से लड़कियों के माँ बाप कितने परेशान हैं। तो इन लफंगों से दूर ही रहना। अंकल वैश देख लिया वो यहाँ नहीं आए थे? देख लिया, चलिए बड़ा आया शादी करने। अब जाके फटा है। उसकी तो ये नीलकंठ बड़ा टेढ़ा आदमी है बॉस, क्या सेंटी डायलॉग मार दिया उसने। अब इस जन्म में क्या, वो तो किसी जन्म में मुझसे प्यार नहीं करेगी। तो आप व्हाट करोगे सर? बाप और बेटी के बीच दरार। तुझसे तो अच्छा बाबू था, उसने प्यार के बाद ये किया और मैं प्यार के पहले। चेहरे से मासूमियत मत टपका, तेरी भोली शक्ल से मैं नहीं पिघलूंगा। चलो वापस जा। एक बार कहा ना आपको सुनाई नहीं दिया गया, चलिए जाइए। एक ऑनर है। गोपी। अरे तू पहले टोपे का है? क्या ले? अंदर जाइए। सुना नहीं, हम वहाँ ढूंढते रहते हो। मतलब अरे कुछ नहीं सर, इन्हें हमारे साथ ले जाके क्या फायदा होगा? ये क्या करेगी, इन्हें घर पे रहने दीजिए, हम चलकर ढूंढते हैं ना सर। चलिए मैं बैठा हूँ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सर मेरी बात तो पीछे की गाड़ी में, सर प्लीज इसमें जगह नहीं है। चल जल्दी भगा। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? बस स्टैंड सर। तू यहाँ कैसे? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, ऐसा आप ही ने तो कहा था ना। ए आइसक्रीम पार्लर। सर यहाँ से राइट ले लीजिए सर। हाँ राइट। सुधरती हुई कहाँ जा रही है? तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऑटो चल, कुछ देर के लिए कहीं चलते हैं। तू हाँ या ना बोल दे फिर वापस आ जाएंगे। ऑटो पापा। ए, तेरे पापा की तो देखो, तेरे उस खूंखार और गवार बाप की बातों में मत जा, उसके लिए तो सारे प्रेमी उल्लू होते हैं। है? देख हम दोनों जवान हैं, तू और मैं बात को सल्टा लेते हैं। चल ज्यादा सोच मत। ऑटो टेंशन मत लीजिए सर, बुलाता हूँ। आइए आइए सब। चलो आ जाओ आ जाओ। आइए आइए आइए। बहुत कमीना है तू। इस फोटो वाले कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, नहीं देखा है। शुक्रिया। कोई बात। क्या पटाखा है भैया? छुरी है। क्या है? की छुरी है। अरे क्या अमेरिका में भी नहीं मिलेगी भाई? देखना भाई की नजर क्या तेज है। इसको तो तेरी भाभी बना के रहूंगा। तो मेरा काम से शकल दिखा के बात कर। हम शकल कहाँ छुपाए? तू भले तेरी शकल ना छुपाए, जिससे छुपानी चाहिए थी उसने छुपा ली। समझ में नहीं आया। तू भले ना समझे, जिसे समझना था समझ गई। समझा का? भैया आप थोड़ी देर और चलना पड़ेगा। अबे मैं और नहीं चल पाऊंगा। आप नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? तू ढूंढते रहे। मैंने अभी सुबलक्ष्मी को देखा। कहाँ? ये रोक, 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 ये गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, 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 निकाल, निकाल, बाहर निकाल, 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 बाहर 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 निकाल, लक्ष्मी कंप्लेंट करनी पड़ेगी क्या? कमाल कर रहे हैं आप लोग। हमें थोड़ी गलत करनी है, हमें माफ कर सकते हैं। आप जा सकते हैं।
शायद देखने में गलती होगी भाई साहब। चल जा गाड़ी में बैठ जा, वापस चल, चल बैठ जा। यहाँ एक लड़की को देखा, वो यही बैठी हुई थी। उसको चाहता था ना, जाके ढूंढ उसको। बाप रे, पहली को ढूंढते ढूंढते थक गए, दूसरी को ढूंढने में तो मर ही जाएंगे, पता नहीं कहाँ चली गई। बोला ना चाह, चल चल निकल फट, घूर घूर के क्या देख रहा है बे, चल निकल, चल निकल। बच्ची है, कहा था ना इसे घर पे रखना, इसे कुछ हो जाता तो मेरी तो जान निकाल दी इसने। रुक जा, रुक कल्पेश। अपने प्यार में अंधा होकर तुम्हें यहाँ घसीट लाया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरा ही दुरुस्त है, अब तो पीछा छोड़ोगे या नहीं? तुम्हारा पीछा छोड़ू? मानता हूं कि तुम्हें यहां लाना मेरी गलती थी, पर तुमसे मोहब्बत करना वो कोई गलती नहीं है। एक बात समझ लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, और तुम्हारे प्यार की वजह मैं समझ नहीं पा रही हूं। इसमें समझना क्या है? जब आज तुम नजरों से दूर हो गए तो पता चला तुमसे कितना प्यार है। अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो तुम्हारे साथ भाग जाऊं दीदी की तरह। भाग जाना? तुम्हें लगता है किसी को भगाना बहुत आसान है क्यों? अगर वो पकड़े गए होते तो तुम्हारे लोग उन्हें काट डालते, और फिर क्या, भागने के लिए जिगर चाहिए। कहना आसान है, तुम प्यार को बड़ी गलती समझती हो। तुम्हारा बाप ऐसा सोचता है क्योंकि वो पुराने जमाने का है, पर तुम तो जवान हो। तुम तभी समझोगी जब तुम्हें प्यार होगा। इनके साथ और कितने दिन घूमोगी तुम? अभी तक तो चपली घिसी है और अब पैर की बारी है। अरे भाई, मेरे लिए रुकने की क्या जरूरत है, लौटने तक टमाटर सड़ जाएंगे। अब लौटना तो मेरे बस में तो है नहीं, बताओ। भाई साहब, बहुत खुशकिस्मत है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। अच्छा हुआ वो हीरो था, मीना की जान बचाई है उसने, नहीं तो बाप रे। ए सुनो, तुम्हारे कुछ लोग यहाँ आकर भिखारी की तरह सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हैं, उन्हें गाँव क्यों नहीं भेज देते? तुम किसकी बात कर रहे हो? और किसकी, ये देखो इन गधों की, नालायक कहीं के
बस चले तो इन्हें गोली से उड़ा दूं। काम न काज के साले दुश्मन अनाज के परेशान कर रखा है। हम भी पिकनिक नहीं मना रहे हैं सर, तनी जवान संभाल के बात कीजिए। क्या कहा? तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू बताएगा मुझे क्या करना है? तू क्या है कुत्ते हाथ का? क्या हम चुप हैं इसलिए चिल्ला रहे हो? का जिस लड़की से हमारा कौनो लेना देना नहीं है उसमें काहे घसीट रहे हो? अगर फिर से हाथ उठाया तो हम ही चुप नहीं बैठेंगे, बता दे रहे हैं। धमकी दे रहा है, मेरे घर में रहकर मुझे ही मारेगा। हमारी बेइज्जती हो उसकी ऐसी की तैसी। ले संभाल अपना जवान, संभाल संभाल। सुनिए ना, अरे तू चुप रहना, चुप। हमारी क्या गलती है? अब निकाल दे इन सबको, हमारे घर में आके हम पर ही हाथ उठा रहे हैं ये लोग, बाहर निकालो इन्हें। और तुम पर ही हाथ उठा रहे, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग इस घर में मेहमान हैं, भूलो मत हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। भाई साहब कुछ हुआ तो नहीं? आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझे माफ कर दीजिए। बहुत हुआ, आपको इस तरह अपनी खोई बेटी नहीं मिलने वाली। हाँ देखिए सहने की मुझ में एक हद थी और वो हद पार हो चुकी है। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढिए। लड़की को लेके भाग जा तू, तभी इस गधे को अकल आएगी। हाँ, सही बात है। होटल में रूम नहीं है, कहीं और चलते हैं। सर ये मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है, तो आज रात मेरे घर चलिए। मम्मी, तो मम्मी, 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 अरे मां क्या हो गया था? पर मेरी बात तो सुनो मम्मी, देखो कितने दिनों के बाद निकल गई है तुमने। मैं ठीक हूं, मैं सब ठीक हूं, पर मेरी बात तो सुनो। जो पुलिस कंप्लेंट की थी वो वापस ले लेना। पुलिस कंप्लेंट की तुमने? तो क्या करती, बिना बताए जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, कितनी चिंता करवाता है। शांत हो जाइए मम्मी। कैसे शांत हो जाऊं, तेरे सिवाय मेरे इस दुनिया में है ही कौन? तू है कि हमेशा गायब रहता है। देखो तो मेरा बेटा इस शहर का चप्पा चप्पा जानता है, वो उन्हें ढूंढने में जरूर मदद करेगा। उन्हें भगाने में मदद करने वाले भी यही भाई साहब थे। क्या क्या रे, वाह, पहले भगाने में मदद करते हो, अब ढूंढने में मदद कर रहे हो? नया काम शुरू किया है क्या? जो भी है अच्छा है। तुम तो वही हो ना जो मेरे बेटे को ढूंढने आए थे, बाल नहीं आए ना अभी तक? भाई साहब कॉफी, आपको आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। अच्छा है कि मेरे बेटे के साथ नहीं भागी, वरना इस जन्म में तो वो दोनों आपको कभी नहीं मिलते, क्योंकि ये तो अपने पैरों में पहिए बांधकर पैदा हुआ है। मम्मी तू चुप कर। ये बता तेरा किसी भी जगह पर 10 मिनट से ज्यादा टिकना मुश्किल है, फिर एक ही जगह पर तू 20 दिनों तक कैसे अटका रहा? दाल में कुछ काला लग रहा है, अब बता भी दे, माँ से क्या शर्माना? मम्मी तुम इनके सोने का इंतजाम करो, कितना गॉसिप करती हो। ठीक है जाओ ना। आओ बेटी, ऐसे खा पी कर लेटे हैं ससुरी जैसे अपने बाप का घर। सही बोला कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। कहाँ लड़की लेके भागने वाला था, कहाँ घर में फंस गया? अरे एक दिन उसे इसी घर में तो आना है। बैड नाइट। मम्मी, मम्मी, अरे वाह तुम्हारी मम्मी मेरी माँ की तरह है। मम्मी खोलो इसे, मम्मी मैं तोड़ दूंगा ये। खोलते कैसे इसको? गुड नाइट लगाया था, मच्छरों ने काटा तो नहीं? तुम बंधे हुए क्यों हो? देख लिया क्या? हाँ मम्मी, इकलौता हूँ ना तो डरती हैं। मैं एक जगह टिक नहीं पाऊंगा ऐसा लगता है, इसलिए ये। लेकिन तुम अपनी माँ की बात सुनते क्यों नहीं? घबराहट होती है। एक दिन यहीं खेल रहा था तो पापा के गुजरने की खबर मिली, तब मैं बहुत छोटा था, हर तरफ लोग रो रहे थे, मुझसे तो देखा नहीं गया, बहुत घबरा गया। तब से मैं भागता रहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते चेहरों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहता हूँ, यही मेरी जिंदगी है। माँ ने मुझे बांधने की बहुत कोशिश की पर मैं भाग निकला। मेरी हर बार यही कोशिश होती है कि मैं खुशियां बांटता रहूं, इसीलिए मैंने हमेशा प्यार करने वालों को मिलाया है बिना अंजाम सोचे।
लेकिन मेरे प्यार की तलाश जारी थी। आखिर किसी का चेहरा देखकर कदम रुके। वो चेहरा तुम्हारा था। तुम्हें खोना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर, इसीलिए तुम्हें अपने साथ ले आया। इस जिंदगी को जीने का मकसद दिया है तुम्हें। तुम नहीं तो मुझे इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। आखिर इसको सोचने पर मजबूर कर ही दिया उसने। भगवान कृष्णा का दूसरा रूप है हमारे कसम। सबको बोल दिया भैया, जैसे कोई खबर मिले हमें जल्द से जल्द इतला करें। अरे कल्पेश। हाँ भैया। मीना को यहीं रहने दो, थोड़ा थक गई है। आओ। निकल पड़िया। ए, तुम लोग आज चले जाओ, मैं बहाना बनाकर रुक जाता हूँ। यार इसी बहाने में मीना के साथ थोड़ा और वक्त बिता पाऊंगा। हाँ सब लोग बैठ गए, चलो चलो चले जाओ। सर आज के दिन छोड़ दीजिए ना सर। कल से मैं रोज आऊंगा सर। इसे ले जाइए ना, इसे हैदराबाद पता है। इतने दिन बाद घर आया हूँ, माँ की थोड़ी मदद कर दूँ। तू रहने दे, मुझे मदद नहीं चाहिए। तू जाकर उनकी क्या मदद कर रही हो कर मम्मी? चुप रहो ना, हमेशा कहती रहती हो मैं हेल्प नहीं करता। आज प्यार से घर पे रुक रहा हूँ तो तुम मुझे। तेरा प्यार कहीं बट न जाए इसलिए तो प्यार जमा रही हूँ। तू जा, जा। मैं उसे भी अपने साथ बिठा लो। ए तू चल रहे? हाँ आता हूँ सर। चल सारा प्लान चौपड़। ए तू गाड़ी स्टार्ट कर, चलते हैं। चल चल। भाई साहब 5 दिनों से वो इसी लॉज में थे। जो लोग पैसा दिए बिना भाग गए ना, ये लोग उनके बारे में पूछ रहे थे। ए, कौन है रे तुम लोग? कहाँ से? वो तेरी बेटी थी क्या? रूम के पैसे दिए बिना चले गए? चल पैसा निकाल। धक्का मत दे। तेरी तो अरे सीधे मुंह बात कर ना। बिना पैसे अरे ए क्या तेरी छोड़ मैं छोड़ से हाथ हटा के बात कर। हाथ हटा के बात कर, प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया एक तो बिना एडवांस के इनको रूम दिया, अब किराया दिए बिना ही भाग गए। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना, क्या अपना किराया भी ना मांगू? क्या बात कर रहे, जरा तू इनकी तरफ देख, क्या ये लोग ऐसे लगते हैं? इनकी बेटी यहां क्यों आई? बोल रहा हूं अभी दिखाता हूं। ये क्या देख, है इन दोनों की बात कर रहा हूं। हेलो मैं कृष्णा बोल रहा हूं। बाबू तेरे पास आ रहा है? अरे यार छोटा सा पंगा हो गया है, मेरे घर वालों ने उसको समझाने की कोशिश की तो वो लोग यहां से निकल गए। आई एम सॉरी। तो अभी वो कहां है? हैदराबाद में। अरे अब वो दोनों कहाँ हैं? यही हैदराबाद में है वो दोनों। अब क्या करें? पिताजी कहाँ हैं? अरे मरने के लिए अपना ही बाइक मिला था क्या? अबे मरे मेरे दुश्मन! सर सर क्या कर रहे हैं आप सर? मेरी क्या गलती थी? वो जगह उसके रहने के लायक थी? मैंने पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए ऐशो आराम का ख्वाब देखा था और मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तू जानता है 22 साल पहले मैं जल्लाद था, गुंडा था। मेरे घर वाले
मेरी बीवी कोई मुझे बदल नहीं पाया, फिर मुझे बेटी हुई सुबलक्ष्मी। उस फूल सी बच्ची को जब मैंने अपने हाथों में लिया तब मुझे जिंदगी की खूबसूरती का एहसास हुआ और मैं बिल्कुल बदल गया। मैं खूब पैसे कमाना चाहता था और कमाया भी, नाम मान सम्मान इज्जत पैसा संपत्ति सब कुछ कमाया। कोशिश की कि घर वालों के साथ साथ पूरे गांव का ख्याल रख सकूं, कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटियों को कोई कमी ना हो। पर तभी कोई आता है, मेरे सपनों को तोड़ कर चला जाता है। क्या प्यारी से कहते हैं, लड़कों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चले हैं एक और जिंदगी पालने, और ये 2 साल उसको समझाने के बजाय उसकी मदद करते और खुद को हीरो मानने लगते, पर वो सिर्फ भगाने तक साथ देते हैं, पूरी जिंदगी नहीं संभालते। क्या मेरी गलती ये है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं? मुझे मेरी बेटी चाहिए, बता मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है मेरी बच्ची? छोटी बच्ची का जन्म से पालना, फिर उसकी शादी, इन जिम्मेदारियों को निभाना माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी है। बाप विदाई की घड़ी में फक्र महसूस करता है, पर तुम नहीं समझोगे। मेरा मान गया, मेरी इज्जत गई, सब चला गया, पूरे 22 साल चले गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं उसे बहुत प्यार करता, दूर चला है। मैंने उसे यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। मेरा मन कहता है कि मेरी शुभ लक्ष्मी मुझे जरूर मिलेगी, मेरी बच्ची कहाँ है? क्या तू कभी मिलेगी भी या नहीं? सारे शहर का चप्पा चप्पा छान लिया, शुभ लक्ष्मी का कौन होता नहीं? मुझे मेरे घर की याद आ रही है। क्या वो पकड़े जाएंगे? पता नहीं। प्यार करना इतनी बड़ी भूल है क्या? नहीं। पर लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? प्यार करने वालों का साथ क्यों नहीं देते? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, लोग हमारा साथ देंगे।
लड़के की खाल उठेड़ दो। मेरी बात सुनो। सर प्लीज मेरी बात सुनो। गार्डियन देखिए सर, ऐसा मत करिए, मेरी बेटी को भगाएगा। पापा अपने आप को यहीं रोक लीजिए, रोक लीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। मैं शादी के रात घर छोड़कर क्यों भाग आई जानते हैं आप? क्योंकि मैं डरती थी आपसे। देखिए मैं इससे प्यार करती हूँ और ये कोई गलत बात नहीं। प्यार में पड़ना, घर से भागना गलत नहीं है? नहीं है। मुझे लगा कि मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ तभी प्यार किया, लेकिन क्या आप मेरी बात मानते? कभी नहीं, मैं अपनी खुशियों का गला घोटकर आपको खुश नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं भाग आई। इसके साथ खुश रहेगी? क्या खिलाएगा ये? ये तेरे काबिल नहीं है। ये फैसला मुझ पर छोड़िए। आपको क्या लगता है सिर्फ पैसों से ही जिंदगी बनती है? ऐसा नहीं है पापा। ए मीना, क्या मैंने गलत किया? तुझे लगता है ये गलत है? हाँ, तू तो मुझे समझती है तो बता इन्हें। मैं भाग भाग के थक गई हूँ पापा। अगर मानना है तो हम दोनों को मारिए, अगर अलग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। क्या कहा? तू पुलिस कंप्लेन करेगी? बाप को जेल भेजेगी? मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो ये कुत्ते की तरह क्यों पीछे पड़े हैं? क्या कहा? इतनी हिम्मत करी? कल्पेश, छोड़ दे इसे। तुमने बिल्कुल सही कहा, कुत्ता हूं क्योंकि पिता हूं तेरा। 22 सालों से तुम लोगों के आगे पीछे घूमते रहने की आदत सी पड़ गई थी। जब अचानक एक दिन तुम गायब हो गई तो मेरा शैतान जाग उठा। माफ कर दो मुझे, मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। पुलिस किस्मत करना, बदनामी होगी। मेरी चप्पल, चलो सब लोग। इधर सुना इसने क्या कहा? जिसे प्यार किया उसी ने धुतकार दी। याद रखना, तो मुझे अपना बाप मानो या ना मानो, लेकिन तुम मेरी बेटी ही रहोगी। आज तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा, अगर कल ये धोखा दे जाए तो मेरे पास आना। तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, अपना ख्याल रखना। खुश रहो, चल मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मत घबराना, कुछ नहीं होगा, तेरा बाप जिंदा है। तेरा ब्याह धूमधाम से करूंगा, आंख बंद करके सुखी जिंदगी बिताएगी तू।
हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। इस बात से अंजाम की मेरी बेटी। सुन, प्लीज, मैं भी शर्मिंदा हूं। मीना की शादी में जरूर आऊंगा। चल मिलते। मजाक मजाक में तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा धो दिया, ठीक है? अब तो हम सब दोस्त हैं ना, हमें माफ कर। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती मत मानना, हो सके तो माफ कर देना। पहले बिना साबुन के धोया और अब आके माफी मांग रहे। इधर चल। ए कृष्णा, अब हम चलते हैं। ठीक, बाय। चल बाय कृष्णा। तो चल रहा मेरे साथ? उठ, मैंने कहा उठ। सुनाई नहीं देता क्या? प्यार किया है, कोई चोरी नहीं, कोई गुनाह नहीं। सुन, अगर सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो मेरी बहू को लिए बिना मत आना। मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटा, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब ट्रेन में चढ़ते वक्त मीना ने प्यार से तेरी तरफ देखा तो हमने, यार हमने महसूस कर लिया, तो तेरे दिल की घंटी नहीं बजी। देख यार, तू सिर्फ अपने प्यार का गला नहीं घोट रहा बल्कि खुद को भी मार रहा है। मत कर यार। यार मीना की शादी तय हो गई है। शादी होने में टाइम है यार, चल कुछ करते। क्या कर सकते हैं, कोई चांस नहीं। किडनैप और भाग जाओ। सीरियस? क्या बात है, यही कर। लेकिन वो सब छोड़, मेरे एक सवाल का जवाब दे। तू उसके बिना रह सकता है क्या? रह सकता है तू? तो मेरे दिल वाले दुल्हनिया ले आते। अब जो होगा देखा जाएगा। ए, इधर आ। मीना कहाँ है बेटी? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? संभाल कर। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब तक मुझे यकीन था कि इस घर में मुझे कुछ नहीं होगा, पर आज इसी घर से मैं डर रही हूं। पापा ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और अपने साथ ले गए, पर मुझे खुद पर भरोसा था कि दीदी ने जो भूल की है वो मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। लेकिन प्यार के बिना जीना बहुत मुश्किल है। ट्रेन छूटते वक्त जब उसे आखिरी बार देखा तब एहसास हुआ कि प्यार क्या है। पर अब तो देर हो गई ना। हमारे परिवार की वजह से परंपरा बन गई, प्यार करके भाग जाना। सब कितने खुश हैं, पर इनकी भी खुशियां रुक जाएंगे। फोन दीजिए ना मुझे। इतना क्या सोच रही हैं? आप भूलिए, मैं लगा देती हूँ। वहां की सारी लाइटिंग देख ली ना तुमने? बस वो शहरी लड़का ना आ जाए। जरा सुनो भैया, जल्दी बाहर जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो शहर वाले लड़के आए हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपने घर की इज्जत नहीं गवाऊंगा।
भैया भैया देखिए कौन आए। ये देखिए। नमस्ते। पुरानी बात भुलाकर तुम लोग यहाँ आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक तुमने हमारी वैसी खातिर देखी है, अब हम दिखाएंगे रियल खातिरदारी। अब तुम भी हमारा रियल फेस देखोगे। अरे सोच क्या रहे हैं भैया, इन्हें घर में तो बुलाइए, इन्हें अंदर लेके जाओ। हाँ, चलो चलो सब लोग अंदर चलो। चलो चलो अंदर चलो। अगर ये रुक गया तो मैं फेस दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इतना खुश तो तुमको पहले को भी नहीं देखा मैंने। देखो आ गया, अब मैं किसी बात से नहीं डरती हूँ। ए जंडू, फूला है क्या? ओ बेचारा, यहाँ ठीक है, तू जरा उनके हाथ बटा। हाँ भैया, तू जा काम कर, मैं आता हूँ। अब देखता हूँ ये दोनों कैसे मिलते हैं। ए कृष्णा, मीना से मिला? हाँ मिल लूँ। यहाँ से आ। तुम फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ मैं। मीना मिली क्या? वो वहाँ कोई किसी मिली को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ एक्चुअली तुम फ्री हो ना? हाँ चलो मेरे साथ कुछ बातें करें। कृष्णा मीना से मिला क्या? वो मिल लेगा, तू ठंडा लेके आ। शनि आकर बैठ गया मेरी कुंडली में। चलो तुम्हारा भविष्य देखें। तुम्हारी राशि क्या है? स्कॉर्पियो। ये डंक जरूर मारेगा। तुम्हारी राशि वाले लोग अक्सर उठपटांग हरकतें क्यों करते हैं? अब देखो अच्छी वाली शादी से लड़कियां भगा ले जाते हैं। वैसे मैं जानता हूं तुम ये काम नहीं करोगे। तुम भी शादी कर लो, खर्चा मैं दूंगा। करोगे ना? आगे का प्लान कहाँ है सर? सुन बे मोटे, लू कृष्ण ने मीना से टॉक किया क्या? मैं देखता हूँ चश्मिश। उसके बाद क्या? मंडप में रीचिंग से पहले गर्ल हमारे साथ होनी चाहिए। विलेज के फोर कोनों पर फोर कार्स रेडी हैं। ओके। खाली पेट नहीं निकलेंगे। हमारे भी भागने का इंतजाम है ना? अरे आप यहाँ बैठे हैं, आपके लिए टॉयलेट में मैंने पानी रखा और आप पेट पकड़े यहाँ बैठे हैं। चलिए हल्के हो जाइए। मैं इसकी राशि देख रहा हूँ। वो बाद में कर लेना, शादी में बदबू फैल जाएगी। चलिए मेरा बेटा आया है, तुम जाओ ना। आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा, अब चल के हल्के हो जाइए। चलिए। हाँ पर चलिए भी जल्दी कीजिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जल्दी जल्दी जल्दी। गड़बड़ क्यों होगी, ठीक से हल्के हुए। अरे तुम नहीं समझोगी, ये बिच्छू सांप की तरह सरक गया। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मजबूरी में तुमने अपने कदम रोक लिए, पर मेरे कदमों ने बहकना शुरू कर दिया। उन्हें रोकना मुश्किल है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह बात पापा से कैसे कहूँ? जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। बाप रे बाप, सर हमारे क्या होगा सर? अब तो या वो मरेगा या हम सब मरेंगे। चल यहाँ से। मीना मीना, तैयार हुई कि नहीं अभी तक? क्या हुआ? बस तुम्हारी याद आई तो तुम तैयार हो जाओ, इसे तैयार करो जल्दी। भाभी जरा उनसे कहिए ना बाहर जाएं। भाई साहब बेटी को सजाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो आप जरा। हाँ
अब क्या हुआ? इस सांड फिर से क्यों भिड़ गया? अरे सुन, चलो निकलते हैं यहाँ से इससे पहले कि उनका बाप हमें फिर से कोठरी में डाले। भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरी पूजा का वक्त हो रहा है, अंदर चलिए। आपके बिना पूजा कैसे हो गई? चलिए चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए, चलिए। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ स्वाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमस्ते। बेटा पिताजी का आशीर्वाद ले लो। आप जरा ये थाली पकड़ेंगी? क्या हुआ? आपने पैर पीछे ले लिया? ये आपने क्या किया? आपको आशीर्वाद देना था। क्या हुआ? जाओ बेटा, तुम जाके तैयार हो जाओ। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपने हम सबकी शादियां करवाई है, हम क्या खुश नहीं है? हमारी बच्ची भी खुश रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? तुम लोग जाओ, जाकर अपना काम करो। सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। तो चल मेरे साथ। जानते हो आंगन क्यों सजा है? क्योंकि मेरी बेटी की शादी। पहले भी एक बार और सजा था, तब कोई मेरी बेटी को, और अब तुम क्यों आए हो? तुम यहां पर वही कहानी दोहराना चाहते हो? बोलो, मेरी बेटी को भगाने आए हो ना? अगर भगाना ही होता तो मैं यहां आता? काश मैं ऐसा कर पाता। मैंने आपके खौफ के साए में आपके बेटी से प्यार करने की हिम्मत की। जब मैंने आपकी बड़ी बेटी के भाग जाने पर आपका पागलपन देखा तो मैं समझा कि किसी लड़की के भाग जाने के बाद उसके बाप पर क्या बीतती होगी। आप टूट गए थे, बिखर गए थे। मुझे आपसे कभी कोई डर नहीं लगा सर। आप ही की इस कोठरी में तो मैंने अपने सच्चे प्यार को पाया था। कई बार वहां से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी तरह मेरा प्यार मुझे वापस खींच लाता। अपनों की जुदाई क्या होती है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता? क्योंकि आपने भी अपनी बेटी को दिल से चाहा, और इसीलिए मैं आपसे अपना दर्द बांटने चला आया। मीना कुछ पल के लिए गायब हो गई थी तो मेरी जान निकल गई थी, तो आप शुभलक्ष्मी के लिए 20 दिनों तक कितना तड़पे होंगे ये मैं आप समझ सकता हूं। इसीलिए मैं मीना को आपसे जुदा नहीं करूंगा। और मैं कैसे जीऊंगा उसके बगैर, क्या करूंगा कुछ पता नहीं। इस आंगन से आपकी बेटी विदा हो रही और मेरा प्यार भी मुझसे बिछड़ रहा है। आपको डर है कि मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी रुक ना जाए, पर मेरी कोशिश है कि उसकी विदाई यहां से खुशी खुशी हो। अगर चाहता तो उसे यहां से भगा ले जाता, लेकिन मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की। आपके आशीर्वाद बिना वो अधूरी है सर। आपने जरूर उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा होगा, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे मुझ जैसा पति कभी नहीं मिलेगा।
कृष्णा कृष्णा सुन, रुक, कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? मीना कब से तेरा इंतजार कर रही है? इधर देख। दीदी पापा को अपने प्यार के बारे में बताए बिना भाग गई, ये उनकी भूल थी। और पापा ने मेरे प्यार को जानते हुए ये शादी तय की, ये पापा की भूल है। पर हम जो कर रहे हैं वो भूल नहीं है। चलो, ये भूल है। मैं यहाँ तुम्हारे पापा को हमारे प्यार का एहसास दिलाने आया था, तुम्हें ले जाने के लिए नहीं। मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे। हमें प्यार को पाने का हक है, किसी के प्यार को छीनने का नहीं। तुम्हारे परिवार ने पहले ही बहुत झेला है, मैं वही कहानी दोहराना नहीं चाहता हूं। तुम वापस लौट जाओ। मैं चलता हूं। कृष्णा, मुझे साथ ले जा। भाई साहब। हाँ भाभी। मीना कहीं दिख नहीं रही है। अच्छा, वसुंधरा। हाँ। मीना कहाँ है? मैं ला रही हूँ उसे। मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक आप ही को है। बचपन से अब तक मेरी हर ख्वाहिश आपने पूरी की है, और आज अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे नई जगह भेज रहे हैं ना। आपने जो वादा किया था उसके मुताबिक अब मैं अपना पूरा जीवन आंखें बंद करके बताऊंगी। पता नहीं क्या हो गया इसको। बाबू के लिए इतना सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं करेगा? हाँ। तुझ पर जान देने वाले दोस्त है ना तेरे साथ? अर्ज किया है उनकी एक हंसी पर हम इलू इलू कर बैठे, हम उनकी एक हंसी पर इलू इलू कर बैठे। पतलून संभाल ही रहे थे कि वो फिर से मुस्कुरा बैठे। हंसी नहीं आई ना, छोड़। मैं अभी भी एक उलझन में हूं कि मेरी बेटी तेरे साथ कैसे रहेगी, पर एक बात जानता हूं, वो तेरे साथ खुश जरूर रहेगी। मैं चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा लड़का क्यों ना ढूंढ लूं, पर तुझसे अच्छा पति उसे कभी नहीं मिलेगा। मेरी सोच पुराने जमाने की थी, प्यार को कभी समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझता हूं। प्यार ईश्वर का दूसरा नाम है। जा, वो सिर्फ तुम्हारी है। जा। अब एक काम और करते हैं, जाके शुभ लक्ष्मी को भी ले ही आते हैं।